से इसमें भी सारी चीजें होती हैं ये। अब हम इसको अपने जो प्रोग्राम है हमारा उसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये है रन कैसे करना है। रन करने के लिए हमने बताया था आपको राइट क्लिक करना है इसमें। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ ब्राउजर। तो हमारे पास ये काफी सारे ब्राउजर, हम इसमें गूगल क्रोम का उपयोग करते हैं। गूगल क्रोम पे हमने क्लिक किया। अब आप देखेंगे गूगल क्रोम पे ये रन हो रहा है हमारा। ये देखिए टाइटल बार में देखिए क्या लिखा है, ऑफिशियल होम पेज --इंडियन आर्मी। नीचे क्या लिखा, लोकल और शेयर फाइल, क्योंकि लोकल होस्ट पे हमारी चल रही है, जब सर्वर पे जाएगी तो लिख कर नहीं आएगा। फिर देखिए लिखा इसमें वी आर द पावर ऑफ इंडियन, पावर ऑफ द इंडिया लिखना, सॉरी पावर ऑफ इंडिया। ये हमने यहाँ पे देखिए, अब जैसे हमने यहाँ पे ये इंडियन लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे ये रन हो रहा है, यहाँ ये है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको दोबारा हमें रन करने की जरूरत नहीं, इसी में हम कंटेंट लिख कर सेव करके इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। ऐसे इसको रीलोड करेंगे, कंटेंट हमारा चेंज हो जाएगा। इंडिया मैंने किया, सेव किया कंटेंट को, और सेव करने के बाद यहाँ पे मैं रिफ्रेश किया, देखिए कंटेंट चेंज हो गया, ठीक है। कल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हेडर फाइल जो है ये हेड टैग क्यों लगाते हैं। एक्चुअली सिंटैक्स है पूरा एचटीएमएल का, जिसका एक प्रारूप है। इसमें एचटीएमएल, हेड टैग, टाइटल ये लगता ही है, और बॉडी के अंदर हम पूरी डेफिनेशन देते हैं। लेकिन हेड टैग एक इस तरह का है, जैसे हम C++ में प्रोग्रामिंग करते हैं, सी में प्रोग्रामिंग करते हैं, वहां पे हम पुटअप करते हैं हेडर फाइल्स, जैसे हैज इंक्लूड और stdio.h, आईओ स्ट्रीम C++ के लिए, जावा में नेम स्पेस ऐड होते हैं, ठीक है। इस तरह की फाइल्स ऐड होती हैं, जिसमें क्या होता है, उनकी पर्टिकुलर डेफिनेशंस होती हैं। अब इसका यूज बता रहा हूँ कि हेडर फाइल यहाँ पे क्यों बनाया गया। सबसे पहले हेडर फाइल को बनाया गया टाइटल को ऐड करने के लिए, ताकि हर पेज पर टाइटल आए। यदि ये टाइटल बार नहीं होता तो क्या होता, सपोज टाइटल बार में रिमूव कर देता हूँ। तक हमने काफी सारी वेबसाइट, जैसे गूगल मीट हमने देखा तो ऊपर लिखा मीट, ठीक है। हमने एमएस वर्ड की विंडो खोली तो उसमें ऊपर लिखा होता है टाइटल एंड टाइटल, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए क्या लिखा, ऊपर पेज का नाम आ रहा है, उसका टाइटल गायब हो गया। तो इससे क्या होता है कि पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है न्यू यूजर को, है ना। ये हमने सेव किया। अब इसके बाद देखेंगे तो टाइटल बार हेलो नितिन सर, नितिन सर माइक ऑन कर लीजिए। हाँ हेलो, हाँ मैडम ऑन हो गया ना, आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। ओके मैडम, ओके मैडम, थैंक यू। हमारे पास CSS, जिसे हम बोलते हैं कैस्केड या कास्केड बोलते हैं, है ना। कैस्केड या कास्केड का मतलब ये है, जैसे हम कास्केड या कैस्केड का बात हम कभी भी करते हैं तो उसका मतलब होता है कि एक या एक से अधिक एलिमेंट्स हेलो ये कैस्केड का मतलब, जैसे हम C++ में अगर हम देखें कि ये क्लास होती है, उस क्लास में क्लास जो है, क्लास के डेफिनेशन हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उसमें फंक्शंस होते हैं, फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। साथ में हम फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप का यूज करके, हम स्कोप रेजोल्यूशन का यूज करके हम बाहर ठीक है। तो ये हो गई हमारी CSS। अब CSS के टाइप्स कौन कौन से हैं वो दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। क्योंकि हमारा ये जो टर्म है, हम इसमें डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं, ना कि डिजाइनिंग की तरफ, तो मैं आपको लाइटली इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दूंगा इसका, है ना, कि होता क्या है ये। और इसमें एक CSS है जो ज्यादा यूज होती है, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले CSS होती है हमारी इंटरनल CSS, सॉरी, सबसे पहले होती CSS हमारी इनलाइन CSS, लाइन CSS,
हम देखते हैं इनलाइन सीएसएस के बाद इंटरनल सीएसएस, सॉरी वन, एक्सटर्नल सीएसएस। अब आप देखेंगे इनलाइन सीएसएस मतलब ये जो हमारा हेड टैग है हमारा, इस हेड टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लगा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट लगाने के लिए हम लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग देखिए इसमें हिंट दे रहा है हमारे पास, स्क्रिप्ट टैग का यूज करके हम इसमें एक स्क्रिप्ट जोड़ सकते हैं। ऐसे मैं भी इसको जोड़ के दिखाता हूँ आपको, एक स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट हमने जोड़ी और मैं इसमें लिख रहा हूँ एच, एच वन मैंने लिखा, एच वन मतलब हेडिंग टैग है, ठीक है। हमने लिख दिया, हमने लिखा हेलो एश सी सी हेलो सिक्स टाइम जीरो, सॉरी फोर टाइम जीरो। जी हेलो हेलो सर, हेलो, हाँ सर बताइए, आवाज आ रही मेरी आप तक? हाँ हेलो विपिन सर हेलो सर, हेलो, हाँ सर बताइए, आपकी वॉइस एकदम क्लियर है हेलो सर। आप तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, अक्षत सर, हेलो। हेलो विपिन सर हाँ अच्छा, हाँ कंटिन्यू करो, मेरे लिए वेट वो मत करो, इंटरप्ट मत करो। हेलो हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, ये कंटिन्यू है। ओके ओके सर, ओके सर। हेलो नितिन सर, हाँ जी सर बताइए सर। सर बस 1 मिनट आपसे लूंगा, हमारे हाँ टीम हाँ के बिल्कुल एक सर, पर्सन बिल्कुल आई सर, है, नो कन्या का प्रॉब्लम रही सर, है। नो सर प्रॉब्लम सर, वेलकम सर। थैंक यू गुड आफ्टरनून अक्षत, कन्या सर, वेलकम सर। यस हाँ थैंक यू, सर, कंटिन्यू करो, मैं सर आई न्यू यू विल जजमेंट बी हियर डेफिनेटली। ओके सर, कर। ओके सर, हाँ थैंक सर, यू, आई ओके, न्यू यू थैंक विल डेफिनेटली हियर विद अस सर। यू, दे फॉर सम टाइम। ओके थैंक यू अच्छा सर, थैंक यू, जी, ओके गो ओके सर, ओके सर, अहेड। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। सर प्लीज प्रोसीड। ओके सर, ओके सर, जैसे ये कोड एक लिखा हुआ है, इस कोड को मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 और यहाँ क्लोज करते हैं। हेडिंग टैग है, ठीक है। एमएस वर्ड में भी आपने हेडिंग टैग्स पढ़े होंगे, एमएस वर्ड में होते हैं, ठीक है। H1 से लेके H6 तक टैग होते हैं, उन्हीं टैगों का मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट में आपको आप प्लेस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको ये जो लिखा था इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। देखिए साइज इसका इंक्रीज हुआ, आपने देखा साइज इसका इंक्रीज हुआ, H1 मैंने पुटअप किया, ठीक है। अब इसमें चूंकि ये HTML जो ब्राउजर है, पहले HTML के जो वर्जन चलते थे बहुत ओल्ड वर्जन थे, ठीक है। अब जो लेटेस्ट वर्जन है वो है हमारा HTML5, ठीक है। HTML5 के काफी सारे वर्जन है, तो इसमें HTML5 के लिए हमें लिखना पड़ता है डॉक टाइप, ठीक है। या हम लिखेंगे डॉक टाइप DOCTYPE, डॉक टाइप HTML, और अंदर हम फिर से लिखते हैं ब्रेसेस, इसमें हम लिखते हैं कलर कोड, कई बार ये जो इंटरनल सीएसएस होता है ना, ये इसमें इशू आता थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक सीएसएस है, एक्सटर्नल सीएसएस, जिसमें हम डायरेक्ट इसे प्लेस कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं स्टाइल टैग, STYLE स्टाइल, स्टाइल ओपन करने के बाद, स्टाइल इक्वल करने के बाद डबल कोड है पुटअप करना है, और इसके अंदर बहुत सारे कोड होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कलर, मैंने कलर पुटअप किया है। जो आप लगाएंगे इसमें कलर कोड होते हैं, कलर लगाने के 3 तरीके हैं, ठीक है। कलर कोड, कलर नेम और कलर कॉम्बिनेशन। कलर नेम हम कितने याद रखेंगे, जैसे रेड है, ब्लू है, अब कुछ मिक्सअप कलर्स होते हैं, उन कलर का हम नाम नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसके लिए अगर यदि आपको कलर कोड का यूज करना है तो वेबसाइट है, ठीक है, HTML कलर कोड, जैसे एशियन पेंट का आप वो लेते हैं ना, बॉक्स लेते हैं पेंटिंग के लिए,
वहां से कलर कोड का वो देता हमें पिकर, उसमें से हम डिफरेंट कलर कोड कलर सेलेक्ट करते हैं, उसके नीचे कोड लिखा होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये कलर कोड है, ये ऐसे बटन होते, ऐसे ये होता है ना, एक वो कार्ड देता है, इसमें हम कलर चूज करते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया सपोज ये कलर, अब इस कलर का नाम तो नहीं पता, ये क्लिक किया, इस कलर का नाम किसी को नहीं पता, तो आप देखेंगे इसमें तीन चीजें आपको मिलेगी, एक मिलेगा हेक्सा कोड, हेक्सा डेसिमल जो पढ़ा था उसी से संबंधित ये है, हेक्सा डेसिमल से ये, ठीक है, हेक्सा कोड, हेक्सा कोड में हमने देखा था ना 16 कैरेक्टर के होते हैं, इसमें ए बी सी डी और कुछ नंबर्स होते हैं, उसका कॉम्बिनेशन ये है, फिर आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू और एचएसएल, ठीक है, इसमें हम ये कलर कोड का यूज करेंगे, हैश, इसको हम कॉपी कर लेते हैं सीधा, ये कॉपी हमने कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी करें, इसके बाद जो कोड हमने लगाया था, सॉरी यहाँ पर ये मैंने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद सेमी कोलन जरूर पुट अप करना, मैंने ये सेव किया, सेव करने के बाद हम इसे करेंगे एग्जीक्यूट, ये देखिए कलर से पुट अप हुआ। इसके साथ में आप यहाँ पे और भी चीज लगा सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट साइज, साइज ही बढ़ा सकते घटा सकते इसका, जैसे मैंने इसको कर दिया 200 px, फिफ्टी करता हूँ px, px का मतलब यहाँ पिक्सल है, ठीक है, देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए साइज इसने इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो ये इंटरनल ये इनलाइन सीएसएस, इनलाइन सीएसएस मतलब जो उस टैग के अंदर लगाई जाए उसे इनलाइन सीएसएस कहते हैं, ठीक है, ये क्लियर है, ये दोनों सीएसएस। अब बात हम करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस के, एक्सटर्नल सीएसएस क्या है और कैसे उपयोग है, एक्सटर्नल सीएसएस जो है हमारे वेब पेज पे नहीं होती है, जो फोल्डर की बात हम बार बार कर रहे थे उस पर्टिकुलर फोल्डर में रखी होती है वो, ठीक है, और उस फोल्डर से इसको हमें लिंक करना होता है, इस लिंक को एस्टेब्लिश करने के लिए जो हमारे पास टैग है वो टैग हैड टैग, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, ठीक है, जैसे ये एक पोर्टल है देख रहे हैं आप ये, है ना, इसका मैं आपको कोड दिखाता हूँ, ये कोड मैंने ओपन किया, इस कोड में देखना कि हैड टैग के अंदर क्या क्या आता है, अगर हैड टैग ना हो तो क्या होगा, देखिए हैड टैग के अंदर आता मेटा टैग आता पहले तो, ठीक है, हेड टैग के अंदर आता है टाइटल टैग, फिर आता है मेटा टैग, मेटा का मतलब है डेटा अबाउट डेटा, एक डेटा के बारे में अगर एक लिंक लिखा है तो उससे संबंधित बहुत सारा डेटा हो सकता है, इसे हम बोलते हैं मेटा डेटा, ठीक है, इसमें नेम है, नेम में आपने देखा सबसे पहले नेम इसकी वेबसाइट का नाम पुटअप किया है, क्या लिखा है, हनुमान बाग मंदिर, कंटेंट आप देखेंगे कंटेंट में क्या लिखा है, जैसे कि श्री हनुमान बाग मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश इंडिया, डोनेट यूएस, ओल्ड एज होम, इनका जो भी बहुत सारे इसमें संस्कृत विद्यालय, ऐसे काफी सारी चीज, तो इनके संबंध इनसे रिलेटेड सारी चीजें आपने डाल दी, सपोज आप कोई बिजनेस शुरू करते जबलपुर में, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर बिजनेस से संबंधित आप डालेंगे, सपोज आप कोई होटल बना रहे हैं, ठीक है, तो होटल में आप लिखेंगे कि भाई 2 स्टार होटल 5 स्टार होटल है, या होटल में कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं, क्या क्या वे हैं, तो वो सब इसमें डालते हैं ताकि गूगल पे इजिली सर्च हो, एक तो ये हो गया, फिर है डिस्क्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखते हैं गूगल में कई सारी साइट्स देखते हो, साइट का ऊपर नाम होता है, नीचे हल्का सा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है साइट के बारे में, तो इस टैग का उपयोग करके हम कंटेंट डाल सकते हैं, हनुमान बाग मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश, हैश लिखा, हैश का मतलब है इसमें इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी अपने आप आ जाएगी, हैश टैग तो पता ही होगा आपको, सभी लोग यूज करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह में, उसके बाद फिर टेम्पल एक और लिखा है ये नेम, फिर नेम लिख के कंटेंट डाला, कंटेंट में फिर डिटेल डाली है, फिर नेम लिख के फिर कंटेंट में फिर डिटेल, ऐसी कई सारी डिटेल्स डाल सकते हैं, एक तो ये हो गया मेटा टैग, हेड टैग के अंदर ही होता है, हेड टैग ना हो तो उसे नहीं लगा सकते हम, ठीक है, इसके बाद है लिंक टैग, ये बहुत समझने वाली चीज है, लिंक टैग, जैसे कि इसका नाम है लिंक टैग, लिंक टैग क्या करता है, जो बाहर रखी हुई हमारी सीएसएस है, फोटोग्राफ के जो फोल्डर्स हैं कॉम्बिनेशन हैं, उनको ये हमारे वेब पेज पे लिंक करता है, सिंटेक्स क्या कहता है, लिंक रिलेशन में लिखा है स्टाइल शीट, टाइप में लिखा सीएसएस टेक्स्ट ऑब्लिक सीएसएस, मतलब इसका ना, ये कौन सी सीएसएस होगी हमारी, एक्सटर्नल सीएसएस जो हमारे पेज में नहीं है, जो हमारे पर्टिकुलर सीएसएस नाम के फोल्डर के अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से स्टोर है, ठीक है, उस पर्टिकुलर सीएसएस को यहाँ पे लिंक करा रहा है, कौन, लिंक टैग, रिलेशन क्या दिखा रहा है, स्टाइल शीट, और ये देखिए ये लिखा एचआरईएफ का फुल फॉर्म है हाइपर रेफरेंस, यहां से इसको लिंक किया है स्टाइल डॉट सीएसएस को, मैं इस पे क्लिक करता हूँ सीएसएस पे, जैसे सीएसएस पे क्लिक किया अब आप देखेंगे इस पे आपको काफी सारी डेफिनेशंस मिलेगी, डेफिनेशन में आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले एचटीएमएल की हाइट 100% दिखाई है, एक बार पेज 100% में आएगा, फिर स्क्रॉल करना पड़ेगा अगर नीचे कंटेंट होगा,
मार्जिन, जैसे एमएस वर्ड में आपने पढ़ा होगा मार्जिन जो होती है कॉपी में, मार्जिन तो लेफ्ट साइड राइट साइड, तो इसमें जीरो जीरो किया, इसीलिए क्या है ये पेज हमारा फिक्स है चारों तरफ से, ठीक है, ये जो पेज है चारों तरफ से आप देखेंगे फिक्स आता है, देखिए 100% में ये यहां से आ रहा है ये, ठीक है। चलिए और दिखाते हैं, इसमें फॉन्ट में आप देखेंगे फॉन्ट नॉर्मल 80%, ठीक है। बैकग्राउंड में देखिए बैकग्राउंड डॉट पीएनजी, मतलब ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ये हल्का सा ये बैकग्राउंड, ये जो लिखा ना पीछे राम राम, एक छोटी सी इमेज है, इस इमेज को बार बार रिपीट किया है यहाँ पर डेफिनेशंस में लिखा ना रिपीट, ये इसको रिपीट कर दिया, इसको बंद किया बॉडी को, मतलब इसका मतलब ये कि अगर बॉडी जो भी आप ओपन करेंगे बॉडी में बाय डिफॉल्ट इतने इतना इफेक्ट आ जाएगा, फॉन्ट नॉर्मल 80% रहेगा, कंटेंट जो एरियल फेस में रहेगा ठीक है, सेंस सेरिफ में रहेगा, बैकग्राउंड जो रहेगा वो सीसी वाइट रहेगा, और उसमें जो यूआरएल के अंदर जो इमेज है वो इमेज जो हमने लगा दी वो रहेगी, वो भी रिपीटेड मोड में रहेगी, और जो भी कलर रहेगा वो कैसा रहेगा, हैश ट्रिपल जीरो, ट्रिपल जीरो का मतलब है ब्लैक कलर, हैश ट्रिपल एफ का मतलब है व्हाइट कलर, ऐसे कलर कॉम्बिनेशन से आप इसमें देखेंगे आपको मिलेगा, जैसे ब्लैक कलर में चलता हूँ ये ब्लैक कलर में हमारे यहाँ पर देखो क्या है 000 ठीक है, व्हाइट में हम चलते हैं ये FFF, तो आप अगर इसको 3 बार लिखें या 6 बार लिखें तो भी वो उस कलर को ले लेगा वो, ठीक है। ये इसी तरह से पैराग्राफ, इसी तरह से इमेज, हेडर देखिए H1 H2 H6 को पूरा डिजाइन किया है यहाँ पे, मार्जिन से डिजाइन से यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीजें डिजाइन है। जब आप अपना मेजर प्रोजेक्ट या माइनर प्रोजेक्ट जो भी आप करेंगे तो कोशिश करिए कि इसको अप्लाई करें, इससे क्या होता है लेआउट और डिजाइनिंग आपकी परफेक्ट होगी। ओके आगे हम बढ़ते हैं, ये हमारी CSS कंप्लीट हो गई, ठीक है, सॉरी ये हमारा हो गया हेड टैग कंप्लीट, ठीक है। अब बॉडी टैग पे हम बात करते हैं, ठीक है। HTML में कुछ हम आपको टैग्स बताएंगे क्योंकि हमें डिजाइनिंग में देखना है और डिजाइनिंग वहाँ प्लेटफॉर्म देखना है, एनवायरमेंट देखना है, ठीक है। तो मैं HTML का कुछ सेक्शन आपको बताने वाला हूँ, कौन कौन से टैग हम देखने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे बॉडी टैग, ठीक है, बॉडी टैग, IMG टैग, आरक्यू टैग, ठीक है, ग्राफ टैग, ठीक टैगों को अपन देख लेते हैं ना, फिर उसके बाद हम आपको जो डेवलपमेंट है उस फेस में हम आपको ले जाएंगे थोड़ी देर में ना, उसमें भी काफी सारी चीजें हमारे पास में है, तो अभी हम स्क्रिप्ट को रिमूव करते हैं और इसी में मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। सपोज ये जो बॉडी है इस बॉडी का मैं कलर डालना चाह रहा हूँ कुछ कलर, है ना, तो इस बॉडी के बॉडी का एट्रीब्यूट है, जैसे एट्रीब्यूट है बीजी कलर, बीजी COLOR, ये बीजी कलर हमने लिखा तो किस कलर किस तरह से आया, ये रेड कलर में आया, ठीक है, ये एंगल ब्रैकेट ओपन किया, इसके अंदर हम कलर कोड, कलर नेम और कलर कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं। अभी फिलहाल मैं कलर कोड डाल रहा हूँ जैसे कि हैश CC 4x0, इससे क्या होगा ये हमारा डार्क रेड हो जाएगा ये, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके ये देखिए डार्क रेड हो गया बैकग्राउंड हमारा, बैकग्राउंड हमारा डार्क रेड हो गया, ठीक है। और ये जो जो कंटेंट हमें लिखना है इस कंटेंट को ना व्हाइट, इसके लिए क्या कर सकते हैं इनलाइन CSS आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, फ्री इनलाइन CSS के लिए, वो कलर हमने कर दिया हैश FFF मीन्स व्हाइट कलर, आप देख पा रहे हैं इसमें ये देखिए व्हाइट हो गया ये सरफेस, ठीक है, ये हमने देखा। इसी तरह से इसमें होता है हमारे पास बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में हम कोई इमेज डाल दें तो बैकग्राउंड में हमारे इमेज आ सकती है, ठीक है, तो एक इमेज हम निकाल लेते हैं बैकग्राउंड में पहले, ठीक है।
हमारे पास काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं, लेड सॉरी स्क्रीन जो है काफ़ी सारी वैरायटीज में और पिक्सल्स में है। ठीक है, पहले चलती थी 1024 ऐसे समथिंग चलती थी, अब 1920 से लेके 1080 तक की क्रॉसिंग में हमारे पास में क्या है, हमारे पास इससे भी बड़ी बड़ी स्क्रीन की रेजोल्यूशन उपलब्ध है। ठीक है, तो हमें हायर टू हायर रेजोल्यूशन में ही बैकग्राउंड डालना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं डाल रहा हूँ, बैकग्राउंड स्क्रीन में हाँ इमेज। ठीक है, कॉम्बिनेशन में इन कॉम्बिनेशन तो हम ले सकते हैं, इमेजेस मिल जाएंगे, हम इन इमेजेस को निकाल लेंगे। ये इमेज हमारे पास काफी सारी इमेजेस हैं, इसमें से हम चूज कर लेते हैं जो भी इमेज हमें अप्लाई करना हो, जैसे हम चाहते हैं ये इसको अप्लाई करते हैं, इसका साइज कम है। इमेज लेते हैं, राइट क्लिक, सेव इमेज। अब इमेज कहाँ सेव करें ये बात है, जो हमने कल आपको बताया था फोल्डर 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 की बात बार बार की थी आपसे। ठीक है, उस पर्टिकुलर फोल्डर में हम सेपरेट करेंगे, मतलब उसमें भी जैसे हमारे व्हाट्सएप वगैरह में हम देखते हैं कि व्हाट्सएप में जाके हम देखते हैं वहां पर कि हमें काफी सारे फोल्डर्स मिलते हैं, जैसे कि हम एक फोल्डर बना लेते हैं, फोल्डर्स में होते हैं जैसे कि व्हाट्सएप इमेज फोल्डर, ठीक है, और साउंड होता है उसमें, काफी सारी होती हैं, इसी तरह से हम बना ले रहे हैं। ठीक है, एक हमने फोल्डर बना दिया इमेजेस नाम का फोल्डर, इमेजेस नाम का फोल्डर, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ही सारी इमेजेस हम रखेंगे। ठीक है, जैसे हमने इमेज का नाम रख दिया BG1, बैकग्राउंड वन इमेज हमारी हो गई, इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अब जो कोड हम कर रहे थे उस कोड में वापस आते हैं, यहाँ हम लिखेंगे इमेजेस स्लैश लगाना पड़ेगा हमें, मतलब हमारा जो फोल्डर जहाँ पे HTML पेज हमारा स्टोर है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर एक इमेज नाम का फोल्डर है, उस इमेज नाम के फोल्डर के अंदर हमारा बैकग्राउंड है, तो हम लिखेंगे BG.jpg। कई बार ये गलतियां होती हैं, लगातार होंगी पहले स्टार्टिंग में, ठीक है, अगर आपने नहीं की कभी ऐसा लिखेंगे आप, ठीक है, ये रहता है, तो हम कोशिश करें कि उसके पाथ को मैच करें। यदि फोल्डर में फोटो, जैसे फोटो यहाँ थी अंदर हमारे इसके पास, ठीक है, ये अगर ये पिक यहाँ पड़ी होती बाहर, तो फिर आप डायरेक्ट आप इसको बगैर ये स्लैश लगाकर फोल्डर का पाथ दिए आप डायरेक्ट इसको सेव करा सकते हैं। ठीक है, कलम इसमें जैसा पाथ हमारा सेट है, फोटो जो है उसके अनुसार ही आपको इसका प्रिव्यू दिखाते हैं। ये प्रिव्यू हमने लिया, प्रिव्यू नहीं आ रहा है, इसलिए प्रीव्यू नहीं आ रहा क्योंकि जो हमने इमेज ली है वो उस इमेज का हम टाइप चेक कर ले, ये कई बार इश्यूज आएंगे बहुत सारे इमेज के टाइप में, जैसे हमारे पास सेलफोन है ना, जैसे सेलफोन जो है सेलफोन में हम बहुत सारे फिल्टर्स और ये सब लगाते हैं, ठीक है, तो उनकी फोटोज फोटोशॉप में डायरेक्ट ओपन नहीं होती है, ये क्यों, रीजन समझिए, ये देखिए इसका टाइप देखिएगा, करते हैं यहाँ पे, ये आ गया बैकग्राउंड। ठीक है, टाइप की बात मैंने की थी, टाइप जो है जो फोटोज होती है ना हमारे जो कैमरे से इन सबसे फोटोज आती है वो होती है JPEG फॉर्मेट, दो तरह के फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, एक फॉर्मेट तो लगा दिया JPG.JPG, और इसी का एक और फॉर्मेट होता है उसे हम बोलते हैं .JPEG। ठीक है, JPEG हमने लिखा, कई बार इस फॉर्मेट में पिक्स होती है तो वो हम इस फॉर्मेट को लगाते हैं इसलिए वो डिस्प्ले नहीं होती, तो हमें ये वाला फॉर्मेट देना होता है, इससे बेहतर ये है कि इमेज को हम इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट करना बहुत आसान है यदि आपसे कन्वर्ट में जैसे हम बता रहे हैं कि है ना, डेमो देते हैं।
ऐसे पिक है इसका, देखिए फॉर्मेट क्या है, इसको कॉपी करके बाहर ले आता हूँ मैं ना इस फोल्डर से पर्टिकुलर से, और अपना तक्षला वाला पेज खोलते हैं, और यहाँ मैं आपको सेव करके दिखा रहा हूँ फोटो, ये लार्ज मैंने कर दिया, देखिए सेव कर देते हैं फोटो यहाँ पे, ये फोटो आ गई ठीक है। अब इस फोटो का टाइप देखिए, टाइप देखेंगे फोटो का क्या है, आप इसमें देखें आइटम टाइप जेपीजी फाइल, और डायमेंशन भी दिया ये भी दिया, इसको हमें जेपीजी में कन्वर्ट करना है, ये जेपीजी फाइल है, जेपीजी में कन्वर्ट करने के लिए राइट क्लिक आपको करना है, राइट क्लिक करने के बाद वेट करना थोड़ा सा, वेट करने के बाद ये आएगा हमारे पास ओपन विथ, ओपन विथ आपको करना पेंट, पेंट ब्रश का यूज तो देखा हमने कई बार उसे पेंटिंग करते पेंटिंग करते पेंटिंग करते, लेकिन ये भी इसका एक यूज है कि इस पर्टिकुलर फोटो के फॉर्मेट को ये बदल देता है, देखिए हमने सेव किया और उसी पर्टिकुलर फोल्डर में किया जिस फोल्डर से हमने इसको उठाया था, इस फोल्डर से उठाया था हमने तक्षला वाले फोल्डर से, देखिए एक इमेज ये है, एक इमेज हमने सेव की, आप ओपन करके देखेंगे दो इमेजेस आपको दिखाई दे रहे, दो इमेज दिख रहे हैं सेम नाम की, लेकिन उसका टाइप अलग है, इसका टाइप देखिए क्या है जेपीजी, और इसका टाइप क्या है जेपीजी ठीक है। तो ये है इस फॉर्मेट में हम देख सकते हैं, अगर ऐसा कभी इशू आता है तो आप उसको पेंट ब्रश से जाके चेंज करके आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंटेंट ठीक है, ये बैकग्राउंड अप्लाई करना हमने आपको बताया इस तरह से बैकग्राउंड आप अप्लाई करेंगे ठीक है। आगे और हम काम करते हैं, हेडिंग टैग हमने देखा H1, H1 से लेके हमारे पास H6 तक बैकग्राउंड है ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, हेडिंग है सॉरी, ये हेडिंग्स है हमारे पास ठीक है। हेलो हेलो, हेलो सर। हाँ सर बताइए, हेलो सर जैसा आपने बताया कि नेट से इमेज लाके अपने वेबसाइट में डाल दी, हाँ, सर उसमें कुछ कॉपीराइट का इशू नहीं होता है क्या? नहीं इशू होता कॉपीराइट का, लेकिन जितनी इमेजेस पड़ी है इंटरनेट में एक भी कॉपीराइट की उसमें नहीं आती है। कंपनी जैसे फ्लिकर एक साइट है, फ्लिकर में कुछ फोटोग्राफर रहते हैं ठीक है, अगर फोटोग्राफर ने लाइसेंस लेके फोटो डाली है अब तो वो उसके क्राइटेरिया में आएगी, और यदि वो नहीं डाली है तो फ्री है, उस पर लिखा रहता फ्री हो रही है। वैसे गूगल में हर एक इमेज आप देखेंगे वहां पे ये आता है लिखकर कि दिस फोटो है ना हो सकता है कॉपीराइट के सेक्टर उसमें एक्ट में आ रहा हो, तो ये जरूरी नहीं कि बैकग्राउंड हम जो निकाल रहे हैं वो उससे हो, वैसे भी ये फ्री बैकग्राउंड है, इसमें आप जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं यहाँ पे जो देखा ना सॉलिड बैकग्राउंड ठीक है, लिख के तो आता है ये देखो ये लिखा है सब्जेक्ट टू कॉपीराइट, लेकिन सब्जेक्ट टू कॉपीराइट ये कह नहीं सकते कॉपीराइट हो ठीक है, और कई साइट जो कॉपीराइट रखती है बाकी वो उसमें लिख कर देती है, और वैसे भी ऐसी इमेजेस में कोई कॉपीराइट नहीं होता है, कॉपीराइट होता है किसी की इमेज में लोगोज में ठीक है, या कोई बैकग्राउंड इस तरह के डिजाइन बना रहे तो उसमें कॉपीराइट होता है, हर चीज में कॉपीराइट नहीं होता है ठीक है। ये हमने देखिए H1 से लेके H6 तक अप्लाई किए हैं, इसको हम रन करते हैं, ये रन किया हमने, अब आप देखेंगे यहाँ पे H1 से लेके H6 तक, तो वेबसाइट्स में होते हैं काफी सारे ठीक है, कहीं आपको हेडिंग बड़ी देना है तो ये दीजिए, छोटी हेडिंग देना है तो ये दीजिए, और छोटी हेडिंग देना है तो ये दीजिए, और सब हेडिंग देना है तो ये, इस तरह से आपके पास कॉम्बिनेशन काफी सारे हैं ठीक है। H1 से लेके पूरे के पूरे H6 तक, मतलब इसमें H1 सबसे बड़ा रहेगा, H2 छोटा, H3 फिर इस तरह से इसमें डिक्रीमेंट चलता है ठीक है, ये हमने किया ओके। इसमें देखते हैं आगे टैग, ये हमने बॉडी टैग आपको बता दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ इमेज कैसे अप्लाई करें इसमें ठीक है, इमेज किस तरह से अप्लाई करेंगे अपने इसमें, तो इमेज बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक होती है बैकग्राउंड इमेज और एक इमेज होती है हमारी फोरग्राउंड इमेज ठीक है। अब इमेज की कैटेगरीज हैं जो होती हैं, जैसे जेपीजी इमेज, जीआईएफ इमेज, पीएनजी इमेज, इस तरह की बहुत सारी इमेजेस होती हैं, तो हम यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाते हैं इमेज को किस तरह से अप्लाई करेंगे ठीक है। तो इमेज का बेसिकली सिंटेक्स देखते हैं, सिंटेक्स क्या होता है इमेज का, इमेज का सिंटेक्स क्या आता है, पहले IMG SRC कोड, इसके अंदर हमें लिखना है इसका पाथ इमेज का ठीक है, उसके बाद इमेज को बंद कर दिया जाएगा इस तरह से, सपोर्टिंग एलिमेंट टैग होते हैं, सपोर्टिंग टैग जो होते हैं हमारे एट्रीब्यूट जिनको हम कहते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं हाइट, ये होते हैं इसके एट्रीब्यूट्स, और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके, लेकिन हमने आपको कुछ बेसिक्स बताए जो कि काफी यूज होता है ठीक है। इसके अलावा आप हाइट विड्थ को हम स्टाइल टैग से भी यूज कर सकते हैं ठीक है, अब हम देखते हैं सब प्रैक्टिकली किस तरह से इसको मेंशन किया जाएगा, इसी में हम कर रहे हैं, इसका साइज छोटा कर देता हूँ मैं H3, यहाँ
हम लिखते हैं IMG SRC। आप खाली जगह ही नहीं है हमारे पास। अच्छा एक इमेज हमने रखी है, एक इमेज हमने कहाँ रखी है, रखी है देखो, इस इमेज का नाम हम देते हैं, इस इमेज को डिलीट कर देते हैं पहली वाली को, और ये वाली इमेज हमारी होगी JPEG, इसका नाम मैं देता हूँ सपोज वन, ठीक है ये वन मैंने दे दिया। अब यहां हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वन डॉट जेपीजी हमने लिखा, इसको हमने बंद किया, सेव किया, यहां से सेव करने में कुछ नहीं, कंट्रोल एस दबाइए सेव हो जाएगा उसी में पर्टिकुलर, और यहां जाके रिफ्रेश कर देंगे, रिफ्रेश करने से जो भी कोड हमने लिख के नया हमने सेव किया है वो यहां पर अप्लाई हो जाएगा, ये देखिए ठीक है, ये हेडिंग हो गई, ये फोटो हो गई, फोटो का साइज बड़ा है, फोटो का साइज छोटा करना हमें, ठीक है तो हम कई तरह से कर सकते हैं, हम स्टाइल टैग का ही उपयोग करेंगे, ठीक है ये आदत डाल लीजिए, आगे बहुत उपयोग होगा, आप कुछ भी करें डेवलपमेंट की तरफ डिजाइनिंग की तरफ अगर जाते हैं, जावा HTML और PHP मैजेंटो तरफ जाएंगे तो आपको ये तो लगेगा, कई जगहों पे आपको लगाना पड़ता है साइज, हाइट HEIGHT हाइट आपको टप करेंगे उसमें, हाइट हमने सपोज रख दी 250px, और विड्थ भी इसी के कॉम्बिनेशन में हमने रख दी विड्थ WIDTH, विड्थ हमने रख दी 300px। अब आप देखेंगे इसमें इमेज में क्या होता है, छोटी हो गई लेकिन थोड़ी श्रिंक हो रही है, इसीलिए क्या है कि कई बार ये कहा जाता है कि ये जो हम लगाते हैं ना हाइट और विड्थ, इस हाइट विड्थ को ना लगा के इमेज का साइज यहां से डायरेक्ट कम करना चाहिए, कहां से, यहां पे इमेज सेव है, इमेज का साइज क्या है, ये है 360.3666 है ना, तो इस इमेज का साइज आप फोटोशॉप से भी कर सकते हैं, ठीक है अगर फोटोशॉप आपके पास नहीं हो तो हमारे पास ये है, ये पिक्चर है, या तो सबसे अच्छा हमारे पास पेंट ब्रश है, पेंट ब्रश में आप ले जाइए, ठीक है यहाँ पे लिखा रिसाइज, रिसाइज पे क्लिक कर दीजिए, सबसे पहले यहाँ से टिक हटाना हमें, नहीं तो ऑटो ऑटो हाइड ही करता है, जैसे हम इसमें लिखेंगे ना 200 ऑटोमेटिक इसका साइज घटता बढ़ता है, तो इसको हटाओ इस टिक को, ठीक है तो हम इसकी हॉरिजॉन्टल विड्थ हम दे दें, ऑटोमेटिक ही रखते इसको, ठीक है ऑटोमेटिक उसमें चले तो बेहतर ही है, ये हॉरिजॉन्टल 360 और वर्टिकल कितनी है इसमें, सॉरी 760 और 366, इसको हम करते हैं हॉरिजॉन्टल का, हम करते हैं इसमें लगभग 500 कर देते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन में आ गया 240, ये हमने सेव कर दिया, देखिए सेव हुआ है छोटा हुआ, इसको हमने यहाँ से सेव किया, सेव करने के बाद ये जो इमेज यहाँ रखी थी इमेज का साइज चेक कर लेते हैं, ये देखिए साइज कम हो गया, और यहाँ रिफ्रेश करके भी देख लेते हैं बगैर कोड के, ये देखिए रिफ्रेश हो गया, छोटी इमेज हो गई है, ठीक है इस तरह से इमेज को आप छोटा कर सकते हैं, तो हमने इमेज टैग भी लगाना देख लिया, ठीक है अब हम देखेंगे मार्क्यू टैग, मार्क्यू टैग के पहले हम आपको बताते हैं पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ कैसे मेंटेन होगा, ठीक है पैराग्राफ किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे ये कंटेंट लिखा, हम इस कंटेंट के नीचे पैराग्राफ लिखना है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ने लिखा सपोज कुछ निकाल लेते इंटरनेट से डेटा, हम यहां से कंटेंट ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ये कंटेंट हमने कॉपी किया और ये सेव किया, ठीक है ये सेव कर दिया, और ये हमने सेव करके इसको हमने यहाँ पे रिफ्रेश करके देखा, क्या देख पा रहे, डायरेक्ट लाइन लिखी है कहीं कुछ भी नहीं, अपने हिसाब से काम हो, ठीक है लेकिन आपके पास टैग है, आप अगर सोच रहे हैं कि हमने ऐसा डेटा लिखा है, ये एक मिनट, यहां से से हम ये चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो कंटेंट लिखा है, ठीक है ये जो कंटेंट है ये कंटेंट थोड़ा अरेंज हो गया है, इसका साइज कम हो, इसका कलर हो, अलाइंज्ड हो, ये सारी चीज़ इसमें फीचर्स होने चाहिए, ठीक है तो इन फीचर्स को लगाने के लिए हमारे पास एक टैग है रफ टैग, इसमें आप अप्लाई करेंगे स्टाइल, स्टाइल को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम सेट करते हैं, जैसे सबसे पहले हम इसकी फॉन्ट को देखते हैं, हम लिखते हैं फॉन्ट साइज, ये देखिए फॉन्ट साइज आ गया, फॉन्ट साइज हमने लिखा 14px, ठीक है स्टैंडर्ड साइज होता है ये, 14px हमने सेट किया, फिर हम सेट कर रहे हैं इसका कलर, कलर हमने सेट किया, कलर हमने सपोज सेट कर दी व्हाइट ही हम कर देते हैं अभी फिलहाल, या येलो व्हाइट कर दे रहे हैं ना, HFF, ये कलर कोड बहुत सारे याद भी नहीं होते हैं ना, हमें इंटरनेट से निकालना पड़ता है कलर कोड, ये हो गया कलर कोड,
एश एफ 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 ये कलर कोड हो गया। अब हम देख रहे हैं इसका जो अलाइनमेंट जो होता है ना, अलाइनमेंट चार प्रकार के हमने देखे, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। तो हमें जस्टिफाई अप्लाई करना, तो हम यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन कोलन जस्टिफाई, सब हिंट में आ रहा है ऑटोमेटिक, आप देख रहे हैं ना। ये हमने अप्लाई किया, सॉरी ये हमने अप्लाई किया यहाँ पर। अब इसका जो यहाँ पे जो लास्ट है, इस पैराग्राफ को यहाँ बंद करना पड़ेगा, कंटेनर टैग है ठीक है, बंद करना पड़ेगा। इसको बंद करेंगे तो ये काम करेगा कुछ इस तरह से, देखिए इसके बीच में अगर सेव किया हमने। अब ये जो पर्टिकुलर कोड जो हमने लगाया है, जैसे हमने कल आपको बताया था कि टैग जो होते हैं, टैग ब्राउजर को बताते हैं कि जो कंटेंट लिखा है आपने वो कंटेंट किस टाइप से आएगा, मतलब कि पैराग्राफ टैग बताएगा कि इसमें जो लिखा गया टेक्स्ट वो उसकी जो फॉन्ट साइज वो 14 px होगी, कलर उसका व्हाइट होगा, अलाइनमेंट उसका जस्टिफाई होगा। ये सब ब्राउजर को ये बताएगा कौन, पैराग्राफ टैग। हम रिफ्रेश करके यहाँ देखते हैं, उसने सच में बता दिया, तो उसी हिसाब से डेटा आ गया हमारे पास ठीक है। और अब हम देख रहे हैं कि भाई हम चाह रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है ना, ये लाइन ऐसे आए पैराग्राफ से आए, जैसे ये है ना नई लाइन से आए, तो हमने इसको करके सेव किया, फ्रेश किया, नहीं आई। इसलिए नहीं आई क्योंकि भाई ये तो हमारा एमएस वर्ड का जो पैटर्न जो हम टाइप करते हैं, लेकिन हमने आपको बता दिया कि टैग जो होते हैं वही ब्राउजर को बताते हैं कि क्या हो रहा है। आपको यहाँ से एंटर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रहने दीजिए। हमने आपको कल बताया था बी आर टैग। इस बी आर का पूरा नाम है ब्रेक रो। ब्रेक रो का मतलब यहाँ से लाइन को ब्रेक कर दो, खत्म। ये सेव किया हमने यहाँ से, इसको हम यहाँ से रिफ्रेश करके देखते हैं। ये रिफ्रेश हमने किया, अब देखिए लाइन ब्रेक हो गई यहाँ से। अगर आपको यहाँ से कुछ ना, यहाँ से आपको स्पेस देके यहाँ से लिखना है, तो स्पेस के लिए भी कोड है हमारे पास। स्पेस के लिए कोड होता है, हम यहाँ लगा देते हैं, लिखते हैं हम M% NBSP, ये कोड है ठीक है। ये अप्लाई हुआ कोड एक M% NBSP, ये होता है एक कैरेक्टर का स्पेस। अब आपको जितने स्पेस देने हो उतना आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए पेस्ट हमने कर दिया। अब जितना पेस्ट किया उसके हिसाब से ये जो लाइन है थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट होगी, देखिए शिफ्ट होगी ये लाइन ठीक है। तो ये था पैराग्राफ टैग ठीक है। इसके अलावा हम लाइन भी कुछ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, बढ़ा देते हैं लाइन को, इसको हम अभी रिमूव करते हैं। लाइंस हैं इन लाइन को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि स्किप किया हमने, कॉपी पेस्ट कर करके कंटेंट सेम है, नो इशू चलेगा। ये लाइनें बहुत सारी हैं, अब मैं चाहता हूँ लाइन में स्पेस आए ठीक है। तो लाइन स्पेस की जगह हम यहाँ पे लाइन हाइट भी सेट कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा लाइन हाइट, आ गया लाइन हाइट। लाइन हाइट हमने सपोज कर दिया 30 px कर दिया, ये 30 px करके लाइन हाइट हमने पुट रखी, और यह हम करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करके हमने देखा, तो देखा आपने क्या हुआ, लाइन में हाइट आ गई। तो कंटेंट हमारा इस तरह से, अगर आपको ज्यादा लगती है तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं। इन कोड का उपयोग करके आप वेबसाइट में जो डिजाइनिंग है उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव, ये सब चीजें आप कर सकते हैं ठीक है। ये कोड हो गया हमारा। अब हम देखते हैं आगे कोड, मार्की कोड लिखा, मार्की या मार्क्यू दोनों पढ़ा जाता है इसे ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई वेबसाइट्स में लगा है, हमने खुद ये पहली बार जब सीखा था तो ये कोड हमने निकाला था DRDO की साइट से, जावा बनी थी, उसका सोर्स कोड में जाके हमने इस कोड को पिक किया था और उसको अपने प्रोजेक्ट में लगाया था ठीक है। पहली बार वहां पर लगाया, परफेक्ट चला, तो फिर वो कोड अप्लाई होने लगा। और प्रैक्टिकली देखा भाई, जब वहां इतनी बड़ी साइट में लग रहा है तो हर साइट्स पे लगेगा ठीक है। उसी को हम अप्लाई करते हैं अभी। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्स्ट मार्क्यू, और उसके बाद हम आपको बताएंगे इमेज मार्क्यू ठीक है। तो अब इस पेज को हम नया पेज एक बना लेते हैं, उसी पेज बहुत कंटेंट हो गया, इसमें से हम बैकग्राउंड को रखते हैं अभी फिलहाल ठीक है। इन सब कंटेंट्स को हम भी डिलीट करते हैं, ये जो कंटेंट लिखे ना इतने सारे, ये कंटेंट हमने डिलीट किए, इसको हम सेव कर दे पहले, ताकि हमें थीम और डिजाइनिंग दिखाई देने लगे है ना। तो हमारा फोल्डर ओपन हो गया, इसे हम कर दे रहे हैं टू ठीक है। प्रैक्टिकल हो गया, लेकिन यहाँ से हमें सेटिंग लेनी है इसकी भाई, HTML वाली, तब ये HTML के फॉर्मेट में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं ठीक है। ये देखो आ गया ना ये चीज ठीक है। हम यहाँ दे रहे, सपोज हमने यहाँ पे लिखा न्यूज ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, इसके पहले आपको एक और टैग बता देता हूँ, ये टैग लिस्ट टैग। लिस्ट टैग का यूज क्या है, न्यूज वगैरह के लिए होता है, तो मार्किंग में यूज होगा।
तो लिस्ट टैग हम आपको बता दे रहे हैं पहले। तो हम देखें बेसिकली लिस्ट कितने प्रकार की होती है। तीन प्रकार की लिस्ट है, दो प्रकार मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। एक लिस्ट होती है इसमें ऑर्डर्ड लिस्ट और डर्ड लिस्ट, ये हो गया ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसलिए इसका नाम होता है, इसे हम बोलते हैं टैग के रूप में पढ़ते हैं, OL टैग, ठीक है। एक होता अनऑर्डर्ड लिस्ट, से इसको हम बोलते हैं UL टैग, ठीक है। ये दोनों हो गई। एक होती नंबर, एक और लिस्ट कुछ होती है ना, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ फिलहाल। ये दो प्रकार की लिस्ट हम देख रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट किस तरह का बिहेव करती है, अनऑर्डर लिस्ट किस तरह का बिहेव करती है, अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे OL, इसमें हम लिखा OL टैग, ठीक है। ये ऑर्डर लिस्ट होगी हमारी, ठीक है। ये हमने लिखा OL, इसके अंदर इसका सपोर्टिंग एलिमेंट होता है LI। LI मतलब लिस्ट आइटम, इसमें कौन कौन से आइटम्स आएंगे वो बताए गए, ठीक है। जैसे मैंने इसमें लिखा सपोज H3, हमने पुट अप किया। अब इस ओवल टैग के अंदर LI हमने लगाया है, तो इस LI में हम लिखते हैं, हमने लिखा सबसे पहले म्यूजिक, सब ऑटोमेटिक, इसी को जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूं मैं, बढ़ा देंगे जैसे म्यूजिक, हमने लिख दिया, ठीक है। और लास्ट में आपको बंद करना पड़ेगा ओवल टैग, ये देखिए हमने टैग बंद किया, सेव किया हमने। इसे सेव करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश तो नहीं होगा, ये पेज भी पुराना वाला है, इस पेज को हमें रन करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है, डायरेक्ट गूगल क्रोम में हम डबल क्लिक कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके ब्राउज भी कर सकते हैं। हम डबल क्लिक कर रहे हैं डायरेक्ट इसमें। डबल क्लिक करने पे क्या देख पा रहे हैं, ये आ गया, देखिए बहुत छोटा छोटा आ रहा है, ये आ रहा है, और ये जो डेटा है ये हमारे पास आ रहा है। मैं जूम कर दे रहा हूँ हल्का सा, ये देखिए बन गई लिस्ट हमारी, ये कहलाती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब क्रमशः लिस्ट, है ना, ठीक है। अब इस लिस्ट में और टाइप होते हैं, एट्रीब्यूट होता है ना इसका, जैसे एक एट्रीब्यूट इसमें, सॉरी, एक एट्रीब्यूट इसमें लगा है OL लगा है ना, OL तो टैग है इसका, इसका एक एट्रीब्यूट है टाइप, PYPE टाइप। हम टाइप दे सकते हैं, जैसे हमें सपोज ABCD में करना है, तो हमने लिख दिया स्मॉल ए, स्मॉल ए पुट अप किया। हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। स्मॉल ए लिख के हमने रिफ्रेश किया, देखिए आप क्या देख रहे हैं अभी, यहाँ पे कंटेंट आपका ABCD स्मॉल में आ गया, ठीक है। हमने देखा नहीं यार, इसको कैपिटल ए होना चाहिए, तो हमने कैपिटल ए कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल ए में सारा डेटा आएगा, ठीक है। जैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स में बनाएंगे ना, अगर आपको एग्जामिनेशन संबंधित कोई बनाना है, या ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन क्विज तरह का कुछ कंसेप्ट रखना है, तो वहां पे आपको इस तरह के ऑप्शंस मिल सकते हैं, ठीक है। या आपको लिस्ट कर रहे हैं कोई, भाई आप जैसे डिपार्टमेंट बता रहे हैं, है ना, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे, जैसे तक्षशिला में ITI भी है, स्कूल भी है, और वो भी है इतना सारा, फिर उसके अंदर कौन कौन सारा, तो आप डिवाइड यहाँ पे करके दिखा सकते हैं कि भाई ये ब्रांच हमारी, ये CSE ब्रांच है, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स है ना, मैकेनिकल है, इस तरह से बता सकते हैं आप, है ना, करके। ये हो गया। अगर आपको ये नहीं चाहिए भाई, रोमन में चाहिए, तो आप लिखेंगे स्मॉल आई, स्मॉल आई पुटअप किया हमने। स्मॉल आई पुटअप करने के बाद हम इसे करेंगे रिफ्रेश, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं क्या हुआ, स्मॉल आई में ये कंटेंट हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। अगर आपको स्मॉल आई नहीं, कैपिटल आई में देना है, तो कैपिटल आई कर सकते हैं आप, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये टैग था हमारा, ये था ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ अनऑर्डर लिस्ट, मैं इसी का एक कॉपी और बना देता हूँ, ये हो जाएगा UL, ये हो जाएगा UL, ठीक है। और टाइप अभी हम इसको करते हैं रफ, कोई टाइप हमें नहीं देना है, हम इसको करते हैं अभी सेव, सेव इसमें जाके इस कंटेंट को हम सेव करेंगे। HTML हम लेते हैं यहाँ से,
हो गया एचटीएमएल, ये हमारा हो गया थ्री, ये थ्री हमने कर दिया, ये सेव किया, डिजाइनिंग आप देख रहे हैं। अब हम करते हैं थ्री वाले को रन, ये हमने डबल क्लिक किया, थ्री वाला हमारा एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, एग्जीक्यूट होने के बाद हम देखते हैं क्या कंटेंट नज़र आ रहा है इसमें हमको। कंटेंट आप देख रहे हैं, ये देखिए आप क्या हुआ, ये बुलेट्स में आ रहा है। ठीक है, बुलेट्स वगैरह डिज़ाइन दिख रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं अन ऑर्डर लिस्ट। इसमें कोई क्रम नहीं होता, एक दो तीन चार पाँच अगर होगा तो ये क्रम है, अदरवाइज एक साथ अगर चार लोग खड़े तो कोई क्रम नहीं है, है ना, ऐसा है ये। हम इसका क्रम बनाते हैं, सॉरी ये हो गया इसका टाइप, हम बताते हैं आपको। ये टाइप हमने दिया काफी सारे टाइप से, एक टाइप हमारा पहले सर्कल, सी आई आर सी एल ई, देखिए आ गया हिंट में सर्कल, सेव किया हमने यहाँ पे। अब रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखिए सर्कल जैसे आ रहा है, देख रहे हैं आप, ये कंटेंट राइटिंग के सामने सर्कल के जैसे डिजाइन बना है। ठीक है, एक ये हो गया टाइप, एक टाइप है स्क्वायर, एस क्यू यू ए आर ई, ये स्क्वायर भी हिंट में आ गया हमारे पास, हमने सेव किया। ठीक है, हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं, आपने देखा ये हमारा इसको भी काम कर रहा है, क्लियर है अच्छे से। ठीक है, तो ये कंटेंट था, ये थी लिस्ट। अब इस लिस्ट का उपयोग करके हम बना सकते हैं मार्की टैग या मार्क्यू टैग। ठीक है, तो अब हम मार्क्यू टैग की प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझना, आपको प्रोजेक्ट में भी लगेगा ये लगाने, लगा सकते हैं वहां पर। अगर हम यूएल नहीं लगाते हैं तो कंटेंट ऑटोमेटिक लिस्ट में होता है, बुलेट्स लिस्ट में, इस तरह से। ठीक है, इसको पहले सेव कर दे पहले तो, ना कुछ पूछना तो नहीं किसी को, तो किसी को भी भाई प्रश्न करना तो बीच में आप पूछ सकते हैं ना। हेलो, हाँ बताइए। हेलो सर, हाँ बताइए, आवाज आपकी पहुंच गई है, बताइए। वेबसाइट में कोई लिंक डालना है अपन को, तो सर उसके लिए कौन सा टैग अच्छा है? बिल्कुल, वो टैग छूट गया था, हम बता देते हैं आपको यहाँ पे, नंबर 8 एंकर टैग। ठीक है, ये टैग बोलते हैं इसको। ठीक है, हम कंप्लीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टैग थे एंकर टैग। ठीक है, इसको करेंगे कंप्लीट अभी ना। ओके, अब देखिए हॉबीज हमने लिखा, हम यहाँ पे एक लगाते हैं एच आर टैग, ये एच आर लगाया हमने, एच आर से हॉरिजॉन्टल रो एक डिस्प्ले होगी। ठीक है, हमारे पास ये है, हमने इसको रिफ्रेश किया, सॉरी एच फोर रन नहीं हुआ अभी, एच फोर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हॉबीज के बाद एक लाइन ड्रॉ होगी, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, एच आर टैग एक सिमिलर टैग है जो कि डायरेक्ट आप कहीं भी लगा सकते हैं, जहां लगाएंगे उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि ये कंटेंट जो है, जैसे वेबसाइट्स में रोटेट होता है ना, ऊपर से नीचे, लेफ्ट राइट डाउन, देखते हैं, देख लेते हैं। देखिए कंटेंट चल रही है, देख पा रहे हैं, रुक भी रहा है, चलने के बाद रुकता है, फिर चलता है, रुकता चलता है, तो मार्क्यू टैग है। ये हम यहां अप्लाई करने वाले हैं, यहां हम लगाएंगे एम ए आर टू यू डबल ई मार्क्यू, ये लिखा हमने। मार्क्यू लिखने के बाद हम बंद करते हैं इसको, क्लिक करके इफेक्ट देखें कैसे इफेक्ट इसमें आते हैं। हमने बंद किया, सेव किया, ये देखिए अब रन करके दिखाता हूँ इसको, ये रन किया। अब देखिए कहीं भी डेटा भाग रहा है, जहां चाहे वहां। ठीक है, तो जो मार्क्यू है, कुछ एट्रीब्यूट है, जैसे एक एट्रीब्यूट होता है डायरेक्शन, चार प्रकार के डायरेक्शन होते हैं, लेफ्ट राइट डाउन होते हैं हमारे पास, इनको हम उपयोग कर सकते हैं। एक होता है स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट जो है इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, कितना तेज वो स्क्रॉल होगा, कितना स्लो चलेगा, वो हम इसको मेंटेन करेंगे स्क्रॉल अमाउंट। ठीक है, फिर होता है हमारे पास ओवर इवेंट, कुछ होते हैं हम बताएंगे आपको, डायरेक्ट आते हैं इस पे, जैसे हम यहाँ लगाते हैं भाई, सॉरी हम पुट अप करते हैं पहले,
करेक्शन सपोज कर दिया अप, डेटा नीचे से ऊपर की तरफ जाए, हमने लिखा अप, यहाँ पे सेव किया, रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखिए रिफ्रेश हमने किया, कंटेंट देखिए ऊपर जा रहा है ना, लेकिन इसकी स्पीड काफी तेज है, स्पीड कम करते हैं पहले ना, मेंटेन करते हैं, स्पीड मेंटेन करने के लिए हमारे पास है स्क्रॉल अमाउंट, AMOUNT, स्क्रॉल अमाउंट हमने 3 फिक्स किया, अब आप देखेंगे सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है, स्पीड कम हुई, स्पीड कम हुई, ठीक है, अगर आपको स्पीड देखना है कि भाई कम क्यों है ज्यादा क्यों है तो आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे कर दे रहे 30 कर दे रहे स्पीड, ठीक है, तो स्पीड आप देखेंगे 30 में कितनी तेजी से चलते हैं, ये देखिए कंटेंट ऐसा भाग रहा है ना, कई बार वो टीवी एडवर्टीजमेंट में आता है नीचे बढ़िया, जैसे कुछ बताना होता है ना कंटेंट, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है इस इवेंट से, जो भी इवेंट चल रहा है ये कोई भाई काल्पनिक चीज है, ऐसे ऐसा बता देते, बहुत तेजी से चलता है, इतनी गति से चलाते हो, तो इसको तो रखिए 3 स्पीड से ये चल रहा है कंटेंट, हम चाहते कि ये कंटेंट रुके जब हम क्लिक, देखिए अभी रुक नहीं रहे ना, ये कर्सर ले आए तो रुके, तो कर्सर ले जाने का मतलब होता है ऑन माउस ओवर, इसको हम यहाँ अप्लाई कर देंगे ऑन माउस आ गया, हम चाह रहे थे कि जैसे माउस उसके ऊपर आए तो क्या हो रुक जाए, तो एक फंक्शन होता है स्टॉप फंक्शन, इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे, ये फंक्शन क्या करेगा उसको रोक देगा, देखिए चल रहा है ये रुक गया, अब चले नहीं रहा अभी है ना, ऑन माउस ओवर हमने प्रॉपर्टी लगा के स्टॉप तो करा दिया लेकिन इसका रिवर्सल नहीं किया है, भाई एक और चीज होती है इसको वापस लेना, तो जैसे माउस आउट होता है इससे, ये माउस आउट होगा और कॉल होना चाहिए हमारा और इवेंट, तो इसे हम बोलेंगे ऑन माउस आउट कोड क्या हो स्टार्ट हो जाए, हम लिखेंगे स्टार्ट, ये स्टार्ट प्रॉपर्टी हमने पुटअप की, ये देखिए ये चल रहा है, ये रुक गया, ये चल रहा है, ये रुक गया, ये इस तरह से ये काम करता है हमारा मार्की टैग, ठीक है, मार्की टैग यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है इसके थ्रू, किसके थ्रू, ये अब मार्की टैग की कभी हाइट भी है फिक्स करनी होती है, कई कंटेंट देखो ना इतने में चल रहा है ये डेटा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक डेटा रोटेट हो रहा है, तो हाइट इसकी सेट कर सकते हैं HEIGST हाइट पुट अप कीजिए इसकी, और हाइट हमने सपोज कर दी 300, तो ये एक अपना एरिया बना लेगा, देखो हाइट 300, कंटेंट कहाँ चल रहा है, एक मिनट रुक गया, कंटेंट ज्यादा हाइट होगी इसकी, हाइट कम करते हैं, रहते में हाई थोड़ी बढ़ा दी हमने, ये देखिए चल रहे हैं, अब हम क्या करते हैं, अब हमने सीखा ही, अब हम सीखते हैं इमेज मार्किंग, जैसे कॉलेज की वेबसाइट्स में देखोगे लिखा होता आर्ट टॉपर्स, ये चलता है और अचीवर्स, ऐसे चलते रहते हैं बहुत सारे, या किसी की गैलरी वगैरह से रोटेट होती है फ्रंट में, तो हम भी अपना काम कर सकते हैं, हम इसमें लिखेंगे गैलरी, लिखा हमने नहीं होता है। गैलरी क्लोज करना इसको, क्लोज करने के बाद हमने फिर यहाँ पुटअप किया HR टैग, ठीक है, HR टैग पुटअप करने के बाद हम लगाएंगे IMG टैग, जो हमने IMG सीखा था, ठीक है, तो हम यहाँ लगाते हैं IMG टैग, IMG SRC, और फोटो हमारी बाहर ही रखी है तो हम यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है, 1.jpg, jpg हो गए 1.jpg, अब हमने यहाँ पर बंद किया, ठीक है, ये बंद कर लिया, अब इसी को हम कॉपी कर ले रहे हैं, पांच इमेजेस हमने कर दी कॉपी, बड़ी बड़ी फोटोज, हाइट विड्थ हम सेट कर देते हैं यहाँ पे, PX, width, 100px, ये हमने हाइट और विड्थ दोनों सेट कर दी, अब हमने
और ये सेट हो गई हाइट, ये दोनों सेट कर दिए हमने। देखते हैं इमेजेस कैसे दिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए इमेजेस दिख रही हैं ऐसी, इस तरह से। इसकी हाइट कम करते हैं, ऊपर वाले मार्किंग की थोड़ी सी एडिट करते हैं इसको, ठीक है। देखिए अब हम चाहते हैं कि ये कंटेंट हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ भागे, ठीक है। तो जो मार्की टैग लगा है इसको हम सीधा कॉपी कर ले रहे हैं फिलहाल, जब आप नया करेंगे तो नया उस पर डालेंगे, पुटअप करेंगे। हमने पेस्ट किया यहाँ पर, डायरेक्शन हमने किया इसका लेफ्ट, सेव किया हमने इसको, और यहाँ बंद करना जरूरी है मार्कर, तो चलेगा नहीं वो ना। बंद हो गया हमारा ट्रैक, ठीक है। सेव करते हैं इसको, रीलोड करते हैं यहाँ से। ये आपको कंटेंट नजर आ रहा चलते हुए, ठीक है। ऐसे कंटेंट आपको दिख रहे हैं चलते चलते। अब देख ले यहाँ पर ये टैग, ये टैग, ये टैग, हम इसके साथ में एंकर टैग भी कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एंकर टैग के लिए क्या है हमारे पास, ये क्लियर है ना मार्की टैग सभी को, और इसमें कोई अगर किसी को क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकता है अभी फिलहाल ना। सर तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, अभी यदि नहीं है क्वेश्चन तो आगे बढ़ रहा हूँ ना। देखते इसमें और एंकर, इसमें लिखते हैं ए टैग, HREF टैक्स का, ठीक है। हाइपर रेफरेंस, एक प्रॉपर्टी होती है टारगेट, एक एट्रीब्यूट बता देंगे हम अभी, ये हो गया ऐसा, ठीक है। तो ये टैग आप लगा सकते हैं, ये टैग कहाँ लग जाता है किसी भी लाइन में, अगर इस टैग के बीच में, सीधी सी बात इतनी समझना है, बीच में जो भी मटेरियल आ गया, अब वो वीडियो हो, टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, ठीक है, ऑडियो भी लिंक बन जाएगा, ठीक है, इमेज हो, वो सब कुछ क्या बन जाएगा, हाइपरलिंक तैयार हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। तो ये हम अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, इसी में अप्लाई करता हूँ, जैसे लिखा म्यूजिक, रुकिए अलग से बना देता हूँ मैं ना, अप्लाई करते हैं इसको, पहले सेव करते हैं सबसे पहले। फाइव हमारा, ठीक है। मैं कंटेंट यहां से रफ कर रहा हूं सारा, जैसे लिखा रहता है इंपॉर्टेंट लिंक, लिंक बना रहे हैं, जैसे लिंक हमारे पास में गूगल हमें ओपन करना है, ठीक है, क्विकली गूगल ओपन हो जाए, और एक हमारा हो जाए वेबसाइट RGPB का, RGPB, ठीक है। एक हमारी जो लिंक है वो खुल जाए, कौन सा, NIC का पोर्टल खुल जाए, NIC हमने लिखा, ये पोर्टल हमारे खुल जाने चाहिए एक क्लिक करने पे, ठीक है। देख लेते हैं रन करके इसको, ये देखिए सब इकट्ठा फ्लैट आ रहा है फिलहाल, है ना, ना लिंक है ना क्लिक है ना कुछ भी नहीं भी। तो इसको हम रीसेट करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो लगा दीजिए BR टैग, पहली लाइन में डेटा, ठीक है, डेटा हमारा नई लाइन में आ जाएगा, देखिए हम दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लगाएंगे एंकर टैग, जैसे हमें गूगल का पेज खोलना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए और एंकर HREF हाइपर रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस में जो गूगल है उसका URL आएगा, URL समझते हैं, हम ले लेते हैं URL को, यहाँ से हमने लिखा गूगल, गूगल का URL है google.com पे लिखा है, लेकिन इसका URL होता है HTTP, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे http://www.google.co.in, इंडियन सर्वर है, ठीक है, सर्वर कई प्रकार के, इसके इंडियन बेस्ड सर्वर का हमने डाल दिया इसमें URL, ठीक है।
खुला पेज यही है, लेकिन इंडियन बेस सर्वर से खुलेगा ये इस तरह से। देखिए हो गया, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे क्या हुआ, हमारे पास गूगल का पेज खुल गया। ये देखिए, बैक करेंगे हम। नहीं चाहते कि पेज हमारा इसी पेज पर खुले भाई, हम चाहते कि हमारा पेज ये ओपन हो सेपरेटली। जब इस लिंक पे क्लिक किया जाए तो साइड वाले टैब में ही ओपन हो, हम ऐसा चाहते हैं। फिलहाल इसको हम बंद करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। एक और टैग हमारे पास है टारगेट, जो हम बता रहे थे अभी, टारगेट इक्वल टू, इसकी प्रॉपर्टी होती है अंडरस्कोर ब्लैंक। इसका मतलब है ब्लैंक पेज में ओपन करें लिंक को। अब देखते कैसे, रिफ्रेश किया हमने, इस पे क्लिक किया। क्लिक करते साथ देखिए ये नया खुला, वो देखो पेज हमारा खुला है, ये नया खुला है। उसके पहले क्या हो रहा था, इसी पेज पर रिफ्रेश तो बैक करना पड़ता था हमें इस तरह से। तो कॉलेजों की वेबसाइट, स्कूल की वेबसाइट, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स में डाला जाता है इस तरह कंटेंट, इंपॉर्टेंट लिंक करके वहां से हम दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कराते हैं। ठीक है, कुछ और चीजें हैं जैसे कि बाय डिफॉल्ट ये जो लिंक टैग होता है, जैसे इसका कलर दिख रहा है ना, वॉयलेट कलर का आ रहा है, बैगनी कलर देखिए इसमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इस पर हम विजिट कर चुके हैं, अदरवाइज ब्लू कलर रहता है इसका, समझ गए ना। लिंक बनते भी दिखाते हैं, और लिंक बना लेते हैं यार। ये पेज RGB का काम करते हैं, जैसे कि हमने ये लिया, कॉपी किया, पेस्ट कर देते हैं, नीचे भी पेस्ट कर देते हैं, नाइस से भी इसका PUR डाल देंगे लाके। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये लास्ट में लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पे ये क्लोज होना चाहिए टेक्स्ट के बाद, तब वो हाइपर लिंक बनेगा। देखिए रिफ्रेश हमने सेव किया, रिफ्रेश करके देखते हैं। अब देखिए सारा ही बैगनी इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये जो इसका कलर है ना, इस कलर के ऊपर ये फ्लिप कर रहा है। ठीक है, जो बैकग्राउंड कलर में, एक मिनट, बैकग्राउंड कलर ही हम उड़ा देते हैं, एक मिनट। ये जो बैकग्राउंड इमेज लिखी है, इस इमेज को हमने कर दिया यहाँ से अलग, सेव किया। ठीक है, इनका जो लिंक है, इन लिंक को हमें यहाँ से रिमूव करना है। हम रिमूव कर रहे हैं, मतलब हैश लिख रहे हैं, हैश का मतलब होता है लिंक बस होगा लेकिन कुछ क्लिक करने पर नहीं होगा। ठीक है, रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। देखिए रिफ्रेश किया, अब आप देख रहे हैं कलर, हमने गूगल पर विजिट किया था, गूगल का कलर था वॉयलेट, RGBB कलर है ब्लू ब्लू। ठीक है, इस तरह से जिस पर हम विजिट कर लेंगे, जैसे इस पर क्लिक किया, मतलब विजिट हो गया वो। ठीक है, ऐसा है। अब चूंकि दोनों में हैश लिखा था इसलिए उसने समझ के हैश दोनों को कलर कर दिया। ठीक है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि भाई जैसा हमारा रन हो पेज, और ये ना आए, ये अंडरलाइन और ये आ रहा है इस तरह का कलर वाला डिजाइन, तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, हम स्टाइल टैग का यूज करेंगे और इसमें अप्लाई करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट का डेकोरेशन, हमें कोई डेकोरेशन नहीं चाहिए, हम लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन कोलन NONE, नॉन, हमने कर दिया नन। ठीक है, अब आप देखते हैं इसको, हमने रिफ्रेश किया और इसको हम दिखाते हैं। ये देखिए नॉर्मल फ्लैट है। ठीक है, अब इसी को हम अप्लाई करते हैं इन पे भी। देखिए हो गया, अब इन पे जो टैग ये बना है लिंक जो, अब इन लिंक का हम URL डाल दें, जैसे कि RGPV की साइट है RGPV.ac.in। ठीक है, लेकिन इतने से काम तो नहीं होगा, हमें पूरा लगाना पड़ेगा http://www.rgpv.ac.in। रिफ्रेश किया, यहाँ रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब RGPV क्लिक नहीं किया था हमने, विजिट नहीं किया इसलिए ब्लू है, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे साइट में ये राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की साइट आपकी ओपन हो गई, इसमें आप रिजल्ट और रिजल्ट देखते हैं और टाइम टेबल, एडमिट कार्ड वगैरह निकालते हैं। ठीक है, हम देखते हैं NIC की साइट का, देखते हैं लिंक NIC की साइट का। लिंक मुझे पूरी अच्छे तरह से पता नहीं है ना, ये है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, गवर्नमेंट का पोर्टल है। ठीक है, इसका URL मैंने कॉपी किया, इस URL को मैंने यहाँ पेस्ट किया, सेव किया, और यहाँ से हम करते हैं रिफ्रेश। देखिए रिफ्रेश हुआ, NIC पे क्लिक करेंगे, NIC के वेबसाइट यहाँ से खुलेगी। ठीक है, तो ये सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप इमेज पे भी लगा सकते हैं हाइपर लिंक। इमेज में हाइपर लिंक लगाना बहुत बड़ा काम नहीं है, जैसे मैं ये यहाँ से इमेज जो है, एक इमेज उठा लेता हूँ, ये IMG, मैंने अभी बताया था ना कि भाई जो एंकर के अंदर आ गया, बीच में आ गया, वो हाइपर लिंक बन जाएगा। इसे मैंने ये कॉपी किया, ये इतना कंटेंट ऊपर पेस्ट किया,
पेस्ट कर दिया, ठीक है, इमेज के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ये देखिए पेस्ट कर दिया, और इसके जस्ट बाद मैंने ए टैग बंद कर दिया। इमेज, जो इमेज लिखी, इस इमेज के ऊपर ये प्रॉपर्टी पूरी लग गई, मतलब इमेज हाइपरलिंक बन जाएगी, देखते हैं अभी कैसे। रिफ्रेश किया, देखिए इमेज आ गई, इमेज के ऊपर जैसे ही कर्सर लेंगे, देखिए ये उंगली बन रही ना, ये लिंक वाली है, जैसे इस पे बनती है, हम इस पे क्लिक करेंगे पेज खुल जाएगा, तो हम अपने इस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इमेज हाइपर लिंक, मार्की, ये सब हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ ऑडियो वीडियो एंड गूगल मैप, ये वेबसाइट पे कभी कभी लगाने होते हैं हमें, जैसे ऑडियो टैग लगाना होता है, वीडियो टैग लगाना होता है, गूगल मैप लगाना होता है। तो पहले हम बताएंगे ऑडियो, फिर बताते हैं वीडियो, ठीक है? तो ध्यान देना एक मिनट जरा, इसमें इसके लिए हम करते गए हैं, इसका कोड जो है डिफरेंट कोड है HTML5 का, तो कोड में गलतियां ना हो इसलिए हम करेंगे ऑडियो टैग, HTML लिखा ना, देखो ऑडियो टैग, एक पहले चलता था बीजी साउंड करके एक चलता था टैग, ठीक है, फिर एम्बेडेड कोड चलता था, अब वो कोड काम नहीं करते हैं नए लेटेस्ट इसमें, ठीक है? इसमें जो HTML5 है, जो ब्राउजर लेटेस्ट जो आ गए हैं नए मार्केट में, उनमें कोड कुछ लग, जैसे कोड एक कॉपी कर रहा हूँ मैं यहाँ से, मैं अप्लाई करने वाला हूँ कोड, ले लेते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें कंट्रोल होता ऑडियो, इसके साथ एक टैग लगा कंट्रोल्स, ठीक है, ये कंट्रोल्स इन पे कंट्रोल करेगा जो डेटा इसके अंदर आने वाला है, ये लिखा योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट इस लाइन को करिए रिमूव, इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है? और ये जो लिखा है इसमें दो फॉर्मेट लिखे, एक तो लिखा OGG ऑक फॉर्मेट, एक लिखा MP3 फॉर्मेट, तो MP3 यूनिवर्सल है, हर एक डिवाइस पे चल जाता है, इसको रिमूव कीजिए। एक बहुत बड़ा फाइल फॉर्मेट है MPEG, ठीक है, इसे बोलते हैं मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है? तो इसका, इसके दो फॉर्मेट होते हैं, एक होता है आपका ये MP3, एक होता है MP4, ठीक है? तो अभी हम MP3 का यूज कर रहे हैं, इस MP3 की एक म्यूजिक हम ले लेते हैं, फोल्डर से निकाल लेते हैं, सामने हाथ में। ये हमने एक म्यूजिक कॉपी कर लिया यहाँ से, डेस्कटॉप में आके जो हमारा फोल्डर है तक्षशिला वाला फोल्डर, इस पे फिर एक सेपरेट फोल्डर हम बनाएंगे, हम रख दिए म्यूजिक, हम पेस्ट करते हैं जो हम गाना कॉपी करके लेके आए वहां से, पेस्ट किया, और इस म्यूजिक में जो म्यूजिक का जो नाम है, काफी बड़ा फॉर्मेट व्हाट्सएप से डाउनलोड किया था, इसका हम नाम रख दे रहे हैं शिवा, ये नाम रख दिया हमने, ठीक है, हो गया। अब इसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं, जैसे ये लिखा है ना, हम लिखेंगे यहाँ पे शिवा, लेकिन ये किसके अंदर था, म्यूजिक फोल्डर के अंदर था, तो हमें लिखना पड़ेगा MUSIC म्यूजिक, हमने लगा दिया सेपरेटर पोस्ट हमारा, ये हमने किया क्लिक क्लिक। अब इस पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इस प्रोग्राम को, ठीक है, तो हमने 6 बना के रखा ऑलरेडी, देखेंगे ये रन हो रहा है यहाँ पे ना, ये देखिए एक यहाँ पे ये बन गया, और यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा ऑडियो वाला, क्या इशू है देख लेते थोड़ा सा, ऑडियो कंट्रोल्स,
ये MP3 फाइल है, पहले चेक कर लेते हैं एक बार। MP3 नजर नहीं आ रही है, एक मिनट। ये MP3 नहीं फाइल, देखिए MPG फाइल थी, बताया था ना, ये फॉर्मेट बदल गया इसका, इसको चेंज कर देते हैं। रन रख दिया, ठीक है, इसका हम नाम दे रहे हैं, नाम रख दिया सपोज, ठीक है, ये हो गया। और ये जो कोड हमारा यहाँ पे, हमने इसमें लिखा रहा हूँ, इसको सेव करते हैं और इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ से रिफ्रेश किया हमने, यहाँ पे देखिए ये आ गया। अब ये प्ले किया मैंने, आप लोग को म्यूजिक की आवाज़ नहीं आ रही होगी ना, अभी देखो साउंड आ रहा था क्या अभी तक? नो सर, नो नो सर, एक मिनट, है ना? हाँ, इस पे है ना, इसमें एक मिनट, मैं शेयर कर रहा हूँ, देखना थोड़ा नो स्लो आएगा सर, लेकिन आएगा साउंड। एक मिनट रुको, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा, अभी स्टॉप करता हूँ। इसमें क्या, स्क्रीन शेयरिंग के समय ऑप्शन होता है कि ऑडियो के साथ स्क्रीन शेयर करना, ठीक है, तो मैं ऑडियो के साथ स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। ये देख, नहीं, ठीक, अभी स्क्रीन शेयर हो रही सबको? यस हाँ, अब देखिए स्क्रीन में एक अलग से ब्लू बटन ऊपर बना है स्टॉप का, ठीक है, मैं अब ऑडियो पे क्लिक कर रहा हूँ, ऑडियो फाइल में। अब देखिए आवाज आ रही होगी, साउंड आ रहा होगा, यस सर, आ रहा है। साउंड आ रहा है अब तक? यस ठीक है, अभी मैं फिलहाल स्टॉप करता हूँ इसको, वापस मैं उस पर जाता हूँ क्लियरली ना, तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको ना। आप इस तरह से डाउनलोड वगैरह, आपको अगर वेब्स कोई म्यूजिक वेबसाइट आप बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, आगे इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो ये ऑप्शन आप लगा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। जैसे ये सर्वर पे जाता है, सर्वर पे जाने के बाद ये यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन भी ले लेता है। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये मैंने इसमें लगाया था एक, ये देखिए बहुत बड़ा साइज है इसका, ये नीचे देखिए प्ले है, ये नीचे की तरफ मैंने लगाया, ये देखिए प्ले भी हो रहा है, और साथ में यहां से मैं क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, ठीक है, डाउनलोड ऑप्शन भी है। तो अगर म्यूजिक डाउनलोड के ऑप्शंस आपको लगाने, तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका साउंड टैग, अब मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो टैग, ठीक है, तो यही कहीं होगा वीडियो भी। नहीं है, कोई बात नहीं, सर्च कर लेते हैं। ये हो गया ऑडियो, इसी के पीछे मैं बना दे रहा हूँ वीडियो, ठीक है, S3 सॉरी। इसकी कोड हमने इसमें से, फिर ऑफ फॉर्मेट आ रहा, ऑफ फॉर्मेट की जरूरत नहीं है हमें, हमें सिर्फ लेना है MP3 फॉर्मेट, ठीक है। तो एक वीडियो हम ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो तो साइज बहुत बड़ा होता है, छोटा सा एक वीडियो हम देखते हैं कहीं पर मिल जाता है तो।
एक फोल्डर और बना दे रहे हैं। फोल्डर बनाने का मतलब ये है कि सारी फाइल सब आप देख रहे हैं सेपरेट होते जा रही है, एक फाइल में इमेज, एक फाइल में म्यूजिक, एक फाइल में आपका वीडियो आने वाला है। आगे जब प्रोजेक्ट आप बनाएंगे तो आप सेपरेट इस तरह से रखिएगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हुई कभी भी। कन्फ्यूजन कब होती है, हम इसमें चेंजेस करते किसी साइट पे, जब चेंजेस करने बोला जाता है तो उस समय फिर हमें ढूंढने में दिक्कत होती है लिंक्स को, फाइल्स को। और लेकिन अगर पहले से वही वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर आपके जो बने, सॉरी जो वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के जो फोल्डर्स बने हैं, ठीक है, उन अगर वो फोल्डर पहले से ही सेपरेट हो तो फिर आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो का नाम मैं रख रहा हूँ। हो गया, IBU वीडियो स्लैश विष्णु, एक मिनट। हो गया विष्णु, हो गया, इसको हम सेव करते हैं। साइज भी इसे फिक्स किया, साइज आप बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से। सपोज हमने कर दिया 500, ये कर दिया हमने 300, ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और अब देखते हैं क्या होता है। ये हमने रिफ्रेश किया, अब आप देख रहे हैं साइड में आ गए, देखिए वीडियो, और हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये चलते हुए देखिएगा, ये चल रहा है। ठीक है, साथ में यहाँ पे आपके आपको मिलेगा ये पिक्चर इन पिक्चर एक ऑप्शन है। ठीक है, सर्वर में जाने के बाद यहाँ आपको मिलेगा डाउनलोड ऑप्शन, है ना, सर्वर पे आप जब भेज देंगे इसको डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा। तो कई वेबसाइट्स इसको लगाते हैं, पहले वीडियो दिखाते हैं फिर डाउनलोड कराते हैं, आप भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑडियो वीडियो कंट्रोल भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं गूगल मैप, अगर आपको वेबसाइट पे गूगल मैप प्लग करना है तो किस तरह से हमें करना पड़ेगा काम। तो मैं नया पेज ले लेता हूँ एक, एक्चुअली सारे पेजेस हम आपको शेयर कर देंगे ड्राइव में डाल के, ठीक है, तो सब आपको पेजेस मिल जाएंगे। और इस एरिया में गूगल मैप लगाने वाले, स्टेप्स देखना, स्टेप्स बहुत आसान है, काम करना बहुत ही सरल है गूगल मैप में। हमने इसमें लिखा, पहले गूगल लिखा और फिर हम चलते हैं ये मेन्यूज की तरफ, ये लिखा ना मैं मेन्यूज बने, गूगल ऐप जिसको बोलते हैं, दिखा देता हूँ जूम करके, ये मेन्यूज है या गूगल ऐप है ये, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ मिलेगा आपको ऑप्शन मैप, ये मैप ओपन हो रहा है। ये ओपन हुआ, ठीक है, आप देखिए मैप का पूरा बॉक्स ओपन हो गया है, ऐप है ना, मैप ऐप खुल गया है। तो यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं अपने कंटेंट को, पहले लोड हो जाए पूरा, ये लोड होने के बाद हम करेंगे, तब तक मैं इस पेज को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव पे क्लिक करते हैं वापस, जो हम काम करते हैं अभी तक। सेव करने के जस्ट बाद हम इसमें से इसका फॉर्मेट देख लेंगे, ये हमारा फॉर्मेट था वाला, ये हमारा पेज हो गया नंबर 7, नंबर 7 पेज सेव हमने किया। ठीक है, अब हमारा मैप अभी खुल गया होगा, ये खुल गया सारा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको साइड मिलेगा मेन्यूज, ठीक है, ये मैं जूम कर दे रहा हूँ, नहीं जूम नहीं हो रही है, मेन्यूज है, यहाँ मेन्यूज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफी सारे ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आते हैं इसके। हम यहाँ लिखते हैं कुछ कंटेंट सर्च करते हैं जो हमें लगाना, वैसे तो बताइए क्या सर्च करना चाहते हैं, क्या आपके कॉलेज का ये लोकेशन डालते हैं, ठीक है, तक्षशिला कॉलेज है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज अपन नगर, ठीक है, ये हमने क्लिक किया, देखिए ये सर्च हुआ और इसने लाके हमें कहाँ पर रख दिया, बिल्कुल लोकेशन ये पिंग हुई लोकेशन। साइड आप देखेंगे, ये नाम गलत हिंदी में, ठीक है, ये तक्षशिला की बिल्डिंग आपकी बिल्डिंग है, सब टैग वैग जो भी डेटा इसमें है वो सब कॉलेज से रिलेटेड है, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं ये पिंग। ठीक है, इस पर क्लिक करने का मतलब ये है कि लिंक क्लियर हो जाए, गड़बड़ ना हो, ठीक है, ये हो गया। अब इस लिंक को हमें शेयर करना है, कैसे हम शेयर करें, हमें लगाना अपनी वेबसाइट पे, तो हम चलेंगे मेन्यूज पे, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखेंगे आपके राइट हैंड की तरफ एक, सॉरी लेफ्ट हैंड की तरफ एक पैन ओपन हुआ है, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेयर्ड और एम्बेडेड मैप, ये देख पा रहे हैं शेयर्ड और एम्बेडेड मैप,
इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये क्लिक हमने किया। क्लिक करने के बाद देखेंगे बॉक्स ओपन होगा, एक बार फिर से देखते हैं कैसे हमने काम किया था। ठीक है, यहाँ हम कोड लिखेंगे आपके कॉलेज का, इंजीनियरिंग कॉलेज रतन नगर, ये देखिए हमने क्लिक किया, ये लिंक आ गया हमारे पास। ठीक है, और करने के बाद यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए कि आपका ही लोकेशन है कि नहीं है, फिर आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद शेयर रैंडेड मैप पे क्लिक करना है, ये क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे एक पॉपअप बॉक्स आता है, इस पॉपअप बॉक्स को हम बोलते हैं शेयर पॉपअप बॉक्स। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा लिंक, यहाँ से मिलेगा एम्ब्रिड मैप, तो एम्ब्रिड मैप में ही काम करना है क्योंकि इसमें हमको मिलता है फ्री आई फ्रेम। आई फ्रेम हर तरह के ब्राउजर को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें साइज दिए हैं मीडियम लार्ज है ना कस्टम, तो अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं, फिलहाल हम ले रहे हैं अभी मीडियम। ठीक है, या यहीं से आप कस्टम कर लीजिए, जैसे मैं इसकी हाइट दे रहा हूँ, नहीं पहले इसको आप ले लीजिए नॉर्मली, है ना, सबसे बेहतर नॉर्मल लेना ही ठीक है। उसके बाद कोड से बहुत आसान होता है इसको चेंज करना, ये लिया, ये एचटीएमएल लिखा कॉपी, इस पर क्लिक करेंगे कॉपी हो गया। देखिए नीचे लिखा रहा ना कॉपी टू क्लिपबोर्ड, हम यहाँ आते हैं और जस्ट इसके नीचे पेस्ट करते, ये पेस्ट हमने किया, पेस्ट कर दिया। अब इसकी देखो इसमें काफ़ी सारे लिंक वो हैं जो उनने बनाया ना गूगल ने, जो फॉर्मेट बनाया वो सब इसमें है, पिक्चर भी होती है इसमें, लोकेशन भी होता है इसमें, और काफ़ी सारे एलिमेंट होते हैं। हमें क्या चेंज करना, विड्थ चेंज करनी, विड्थ को आप करिए 100% ताकि फिक्स दिखे वो। हाइट आप कम ज़्यादा कर सकते, मैंने किया 350 फिलहाल, इसको मैं करता हूँ सेव। ठीक है, बहुत साधारण सा काम था, कॉपी पेस्ट ही तो है इसमें है क्या। और इसके बाद जो पेज हमने बनाया उस पेज को हम कर देंगे एग्जीक्यूट। ठीक है, पेज देख लेते कौन सा पेज हमारा, पेज नंबर 7 था ना, ये डबल क्लिक किया पेज नंबर 7 पर। पेज हमारा ओपन हो गया, पेज ओपन होने के बाद ये ऊपर गूगल मैप लिखा है और नीचे हमारे वेबसाइट का वो आ गया, लिंक आ गया। ठीक है, मतलब कि जो गूगल मैप में लोकेशन बना वो हमारे पास आ गया। तो अपनी वेबसाइट्स में अगर किसी के वेबसाइट बनाते हो तो वहाँ कॉन्टेक्ट अस में आप उसका लोकेशन लगा सकते हैं गूगल मैप का। ठीक है, पता सबको है लेकिन बहुत ही कम लोग जानते लगाना कैसे गूगल मैप। ठीक है, बहुत इजी स्टेप्स थे, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं इसमें किसी को। ठीक है, आगे हम बढ़ते, तो हमारे ये पूरे के पूरे एचटीएमएल के टैग्स कंप्लीट हैं। ठीक है, बाकी अगर टैग आपको कंप्लीट करना है तो ये वेबसाइट है W3 School, इस पर आप एचटीएमएल के सारे टैग्स सीख सकते हैं प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, काफ़ी गलतियाँ होंगी, सुधरेगी गलती और फिर हम सुधारेंगे उसको वापस। बस याद रखना ये टैग डॉक टाइप, एचटीएमएल 5 यूज करोगे तो डॉक टाइप आपको लगाना पड़ेगा, बगैर डॉक टाइप पे काम नहीं होगा। ठीक है, डॉक टाइप अगर किसी एचटीएमएल के ऊपर लगा है तो आप बोल सकते हैं 100% कि ये वाला जो कोड है ये एचटीएमएल 5 में लिखा गया कोड है। अगर डॉक टाइप नहीं है तो आप 100% बोल सकते हैं कि ये जो कोड लिखा है एचटीएमएल 5 का कोड नहीं है। ठीक है, एचटीएमएल 5 का कोड लिख देने से नहीं हो जाता काम, जब तक कि ऊपर का हेडर उसका ना लगे। ठीक है, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो एचटीएमएल में इतना बताया, बाकी बहुत सारे टैग हैं इसमें, आप देखेंगे काफी सारे टैग्स हैं, इन टैग्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और टैग्स हम उसमें ASP.NET के साथ बताने वाले हैं। ठीक है, अब आगे हम और देखते हैं इसमें सेक्शन में काम। अब हमें समझना इसमें, ये तो थी डिजाइनिंग की थोड़ी सी प्रोसेस जो हमने आपको बताई, हल्की सी डिजाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, अब हम समझेंगे डेवलपमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो आपने देखी अभी तक, जैसे राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय JEC, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, आपका तक्षशिला कॉलेज, ठीक है, MP Online, इन सब की जो वेबसाइट्स आप देख रहे हैं, ये सारी वेबसाइट जो बनी है वो कहाँ बनी है, गूगल, ये सारी वेबसाइट्स बनी है ASP.NET में। ठीक है, मैं आपको ASP.NET का कंटेंट ही बताने वाला हूँ क्योंकि ये इजी होता है। जैसे हम अगर हम पाइथन की तरफ जाते हैं या PHP की तरफ जाते हैं तो पहले आपको कोर सीखना पड़ता है। ठीक है, कोर मतलब कोड वोड कुछ आपको सीखने पड़ेंगे, उसके बाद बहुत एंड में MVC के बाद आपको मिलेगा फ्रेमवर्क, उस फ्रेमवर्क में काम करते हैं।
लेकिन जो ASP.NET है डायरेक्ट फ्रेमवर्क में ही काम करवाता है। देखिए कैसे, इसमें लिखा है वेब डेवलपमेंट ASP.NET, लिखा ना .NET, सबसे पहले चलता था एक्टिव सर्वर पेज, बहुत पहले, ठीक है। जैसे ये सबसे पहले साइट आई थी फ्लिपकार्ट की साइट, जो कि बुक सेल करती थी, ऑनलाइन बुक सेलिंग, ठीक है। तो वो साइट बनी थी उसकी HTML में, और उसमें जो कोड था ASP यूज होता था, वो डेटा को भेजने के लिए होता था। डेटा कैसे जाएगा, किसी फॉर्म में हमने डेटा पुटअप किया, सेव बटन पे क्लिक किया, तो वो डेटा कहाँ चला जाता था, पर्टिकुलर किसी एक डेटाबेस में। तो ये जो बीच में जो काम करने वाला जो कोड था, जो डेटा को फॉर्म से उठा के डेटाबेस तक भेजता था, ये था आपका ASP, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती थी, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज से क्या था, फिर ये बाद में धीमे धीमे क्या हुआ, वेबसाइट्स हैक होने लगी। अभी आपने पेपर पढ़ा होगा कि अमेरिका में लगभग इतने GB डेटा हैक हो गया, हैकर्स ने हैक कर लिया। तो हैकर्स ये सब काम करते रहते थे, ठीक है। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, .NET फ्रेमवर्क तैयार किया। .NET फ्रेमवर्क में एक ही जगह पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए इनने, ठीक है। जैसे आपको लैंग्वेजेस दे दी, C++ दे दिया, C# दे दिया, J# दे दिया, ठीक है, विजुअल बेसिक लैंग्वेज दे दी, एक साथ इनने एक प्लेटफॉर्म पे दे दिया, ठीक है। ये लैंग्वेजेस हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि ASP.NET क्या है, तो आप कभी नहीं कहेंगे कि ASP.NET एक लैंग्वेज है, ठीक है। ASP.NET एक एनवायरमेंट है जो हमें बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। जैसे लैंग्वेज में देख रहे हैं सी सी प्लस प्लस सॉरी सी प्लस प्लस देगा, जे शार्प देगा, सी शार्प देगा, ठीक है, विजुअल बेसिक देगा, ये लैंग्वेज हो गई, ठीक है। अब डेवलपमेंट के लिए हमें पूरा IDE एनवायरमेंट दे रहा है वो, जो कि विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर से हमें मिलता है, ठीक है। हमें हर सॉफ्टवेयर की एडिटर की जरूरत पड़ती है ना, इसी तरह से ASP.NET के प्रोग्राम को एडिट करने के लिए एक एडिटर मिलेगा, उसका नाम है विजुअल स्टूडियो, ठीक है। काफी सारे हैं, 19 तक मार्केट में है, लेकिन अभी हम 10 यूज कर रहे हैं, क्योंकि लैपटॉप हमारा उस कॉन्फिग्रेशन का नहीं है, ठीक है। तो ये यूज होता है इस तरह से, ठीक है। कॉन्फिग्रेशन के हिसाब से भी ये चलते हैं। और हम बात कर रहे हैं, फिर इसमें डेटाबेस भी है, रिच डेटाबेस है, जिसे हम बोलते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, सॉरी ये तो सॉफ्टवेयर हो गया, SQL डेटाबेस है हमारा, ठीक है, जिसमें हम सर्वर करेंगे, जिसे हम बोलते हैं MS SQL बोलते हैं। इसके लिए हमें मिलेगा एक सॉफ्टवेयर SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2008 या 2012 का आप उपयोग कर सकते हैं। और रन करने के लिए हमें ब्राउजर मिलेगा, जिसे हम ब्राउजर का यूज कर सकते हैं, जैसे HTML फाइल हम रन कर रहे थे ना, उसी तरह से .NET की फाइल्स रन होंगी लोकल होस्ट पर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ASP.NET का, अगर 10 हम देख रहे हैं विजुअल स्टूडियो, ये सॉफ्टवेयर अकेला 2.5 GB का होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन लगभग अच्छा चाहिए, मिनिमम डुअल कोर कंप्यूटर तो होना चाहिए हमारा, ठीक है, मिनिमम डुअल कोर कंप्यूटर और 2 GB रैम, जिसमें अच्छा काम हमारा हो, ठीक है। मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो वो तो बोलते हैं कि हार्ड डिस्क 4 GB की होनी चाहिए फ्री, ठीक है, 2 GB 2.5 GB इंस्टॉल होगा, बाकी एक्सप्लोर होगा। रैम बोलते हैं कि 512 MB की रैम होनी चाहिए उसके लिए, लेकिन वो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है। हम आपको बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं, जो होना चाहिए सिस्टम का वर्किंग के लिए, और अगर उससे अच्छा हो वेल एंड गुड है, ठीक है। उसी तरह से जो हमारा सर्वर स्टूडियो जो है, स्टूडियो भी काफी वो लेता है, स्पेस लेता है, उसको भी हमें देखना होता है, ठीक है, उसके लिए भी स्पेस की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें क्या करना है, अच्छा स्पेस चाहिए सिस्टम में, ठीक है, इनको हम देखेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बेसिक टर्म्स, हम क्या क्या प्रोजेक्ट में यूज करने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे .NET फ्रेमवर्क की। तो फ्रेमवर्क का जो नाम है, फ्रेम और वर्क, मतलब एक तरह का फ्रेम या लेआउट या एक डिजाइन इन्हें हमको दे दिया है वर्क करने के लिए, ठीक है, जहां पे बहुत सारे फीचर्स को क्या किया है, इंक्लूड किया है। यही काम किया था .NET ने। .NET ने क्या किया था, जो बिखरी हुई चीजें थी ना बाहर, जो अलग अलग था, ये भी अलग ये भी अलग, उस सबको एक जगह पे क्या कर दिया, एक पैकेज के रूप में फिक्स कर दिया है। ये है .NET फ्रेमवर्क, ठीक है। इसमें हम जो फ्रंट एंड के रूप में यूज करेंगे वो ASP.NET करेंगे, बैक एंड के रूप में SQL सर्वर यूज करेंगे, जो लैंग्वेज हमारी होगी वो होगी C#। C++ जो लैंग्वेज है वो है हाई लेवल लैंग्वेज है, साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है। लेकिन जो C++ की बात मैं कर रहा था अभी, लेकिन जो C# है, C# अपने आप में क्या है, C# फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ में बगैर क्लास के प्रोग्राम भी आप बना सकते हैं, बन जाते हैं ना, लेकिन C# में आप बगैर क्लास के कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जैसे जावा में होता है ना, हर चीज के लिए क्लास तो बनानी पड़ती है बेसिक, फिर आगे हम काम करते हैं, उसी तरह से C# है, ठीक है। आगे हम देखने वाले हैं किस तरह से एनवायरनमेंट में काम करना, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि
ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 है, ठीक है, काफ़ी सारा लोड इसने ले लिया, इसलिए इसको हमें बंद करके फिर ऑन करना होगा, ठीक है। इसके साथ में एक है एसक्यूएल, मैं स्टूडियो मैनेजमेंट भी ओपन कर देता हूँ यहाँ से, इसमें हम लिखेंगे मैनेजमेंट। देखिए एसक्यूएल सर्वर स्टूडियो मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं ऑप्शन आ गए। हेलो हेलो, किसी का माइक ओपन शायद। हाँ बताइए सर, एक विजुअल स्टूडियो कोड भी रहता है ना? अच्छी विजुअल स्टूडियो कोड, हाँ वो भी होता है क्या? अभी देखो ASP.NET और इन सब के देखो विजुअल स्टूडियो कोड भी होता है जो उसमें काम करता है, पाइथन के साथ वर्क करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे कोड्स हैं जो कई कई फाइल्स के साथ काम करते हैं। अभी इसमें कोर ASP.NET भी होता है, ठीक है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। अभी हम विजुअल स्टूडियो की बात कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो ये ओपन हो रहा। अच्छा कोई मुझे बताएगा ये जो विंडो दिख रही है आपको, इस विंडो को क्या बोलते हैं? अभी विंडो एक नजर आ रही है छोटी सी, लिखा विजुअल स्टूडियो 2000 अल्टीमेट लिखा है, और दिस प्रोग्राम इज प्रोटेक्टेड बाय US एंड इंटरनेशनल कॉपीराइट्स लॉज, ऐसा लिखा है इसमें, एक थ्योरी लिखी थोड़ी सी। अब वो इसको थ्योरी चली गई, कोई मुझे बताएगा उस बॉक्स को बोलते क्या है? इसकी कोई पता हो तो मुझे बता दे रहे ना माइक ओपन करके। सर स्प्लैश स्क्रीन कहला दीजिए। बिल्कुल परफेक्ट, स्प्लैश स्क्रीन ही है वो, है ना। स्प्लैश स्क्रीन भी कई तरह की होती है, जैसे एक VV.NET के अंदर एक स्प्लैश स्क्रीन होती है ना, उसको हम लगा देते हैं। और स्प्लैश स्क्रीन बाहर सॉफ्टवेयर बनते हैं बहुत सारे, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें जब एक एक सॉफ्टवेयर बन जाता है उस सॉफ्टवेयर को उसमें रखते हैं और उसमें एक स्क्रीन डिजाइन होती है, इसमें हम थ्योरी लिखते हैं, वो स्प्लैश स्क्रीन है, ठीक है, परफेक्ट। अब देखिए ये हमारा एक एडिटर, ये हमारा एक एडिटर ओपन हो गया, ये है विजुअल स्टूडियो 2010, ठीक है। इस पहली स्क्रीन को ही हम बोलते हैं डॉट नेट स्क्रीन, या बोलते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क, ठीक है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क की डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बताई कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, एक एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट में क्या किया, एक जगह पे सब कुछ ला के रख दिया। जैसे कि देखिए सर्वर एक्सप्लोरर, आपको बताता हूँ एक ओपन करके, ये सर्वर एक्सप्लोर जहाँ पे ये डेटाबेसिस है, ठीक है, ये लोकल डेटाबेसिस है, ठीक है, डेटाबेसिस दिख रही है, ये डेटाबेसिस हम बनाएंगे एसक्यूएल सर्वर में और यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये हो गया। ये टूल बार है, अब डिजाइनिंग के लिए क्या है, जावा में पूरी डिजाइनिंग करनी पड़ती है GST में, ठीक है, हर के लिए इनपुट बॉक्स आउटपुट बॉक्स लेबल लेबल सब लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको सब बने बनाए मिलेंगे कब, जो हमारा डिजाइनर पेज आएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जितने भी पेजेस बनेंगे, जो फोल्डर्स बनेंगे हमारे, ठीक है, वो सारे यहाँ पे आपको नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद में टीम एक्सप्लोरर, इसकी जरूरत नहीं टीम एक्सप्लोरर की, एक्चुअली जब टीम एनवायरमेंट में काम करते हैं तब इसमें इसका यूज होता है, मतलब एक सर्वर पे एक हम प्रोजेक्ट डाल देते हैं और उस प्रोजेक्ट को एक्सेस करके सभी लोग काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फोल्डर अपना कोई जो अपना बनाया था मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन वेबसाइट। इसमें देखिए ऑप्शन आपको मिलेंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू, न्यू ऑप्शन में दो ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा प्रोजेक्ट, एक मिलेगा आपको वेबसाइट का, ठीक है, ऑप्शन। तो प्रोजेक्ट ऑप्शन का यूज हमें तब करना है जब हमें विजुअल बेसिक में कोई या VV.NET में कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, सॉफ्टवेयर बनाना हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशन में यही छोटा सा एक डिफरेंस है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम में इंस्टॉल होकर चलते हैं और जो वेब एप्लीकेशन होती है वो ब्राउजर्स पर रन होती है, हमेशा याद रखना वेब ब्राउजर्स पर रन होती है, ठीक है। तो हमें वेबसाइट पे काम करना कि प्रोजेक्ट पे, ठीक है। जैसे एक बोलते हैं ना प्रोजेक्ट के दो मतलब हैं, जैसे बोलते हैं कि हमारा मेजर प्रोजेक्ट है माइनर प्रोजेक्ट है, ये है वो प्रोजेक्ट का मतलब है आपका असाइनमेंट है, जो प्रोजेक्ट वर्क है जिस पे आपको काम करना वो है, और इसमें जो ऑप्शन दिया है प्रोजेक्ट का, इस प्रोजेक्ट का मतलब है VV.NET, इसका मतलब वेबसाइट का मतलब है ASP.NET, क्लियर है। तो ये हम न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, उसी तरह से ओपन पे भी क्या है, अगर ओपन करना तो वेबसाइट और ये प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम न्यू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, फिलहाल मैं ओपन कर रहा हूँ अभी, ठीक है। ओपन मतलब जो तक्षशिला वाला जो पेज बना था, या मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये वेबसाइट जो है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये न्यू वेबसाइट पर क्लिक किया, ये ओपन हो रही है वेबसाइट, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन नजर आते हैं आपको, पहले तो यहाँ लैंग्वेज चूज करो, ये लैंग्वेज हमें लेना है C#, विजुअल बेसिक नहीं लेनी है। C# में क्या, देखो विजुअल बेसिक में क्या है, ऐसे बहुत सारे कोड हैं जो हमें समझ नहीं आते, लेकिन चूंकि देखो आपने बहुत सारी लैंग्वेज नहीं पढ़ी होंगी, फोरट्रॉन नहीं पढ़ी, पास्कल नहीं पढ़ी, ये सब आउटडेटेड लैंग्वेजेस हैं सारी, ठीक है।
लेकिन हमने सी प्लस प्लस जरूर पढ़ी है, जावा जरूर पढ़ी, सी जरूर पढ़ी है। तो उसमें जो फॉर लूप वगैरह जो लगता है ना, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, वैसे ही सेम टू सेम फॉर लूप लगता है सी शार्प में, इसलिए सी शार्प क्या है हमारे लिए सरल हो जाती है। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद इसमें मिलेगा वेबसाइट, एक मिलेगा एम्प्टी वेबसाइट और एक मिलेगा सर्विस, वेब सर्विस। ठीक है, तो जो वेबसाइट जो है, वेबसाइट अगर हम लेंगे तो क्या है, कुछ चार पांच पेज डिजाइन होकर पहले से ही आते हैं, हमें नहीं चाहिए पेज, हम ब्लैंक पे काम करना चाह रहे हैं, तो हमने लिया एम्प्टी वेबसाइट। एम्प्टी वेबसाइट पे हमने लिया। अब यहाँ पे जो सिस्टम है, तीन फॉर्मेट मिलते हैं, फाइल सिस्टम, एचटीटीपी और एफटीपी। तो इसमें हमेशा आपको फाइल सिस्टम पे ही काम करना है, तब आपको फाइल के रूप में एक फोल्डर में डेटा मिलेगा। नीचे आप देख रहे हैं F: मेजर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग लिखा था वेबसाइट, मैं यहाँ पे ब्राउज बटन पे क्लिक करता हूँ और एक अपना फोल्डर हम बनाएंगे जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसका जो फोल्डर है मैं डेस्कटॉप पे ही बनाने वाला हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया, नहीं ड्राइव में देता हूँ, ठीक है, डी ड्राइव में दे रहा हूँ। डी ड्राइव में मैंने लिखा तक्षशिला कॉलेज। ठीक है, ये मैंने एक फोल्डर बना दिया, इसी में जो हमारा ट्रेनिंग का मटेरियल होगा इसी के अंदर जाएगा, बाद में हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, ये ओपन किया, ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन करता है कि ये फोल्डर नहीं बना है, अगर आप बनाना चाहते तो यस पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम यस पे क्लिक करें, फोल्डर क्रिएट हो गया तक्षशिला _ कॉलेज नाम का, आप देख भी सकते हैं जाके डी ड्राइव में देखेंगे, ये देखिए बन गया अभी, लेकिन खाली है, ब्लैंक है। ठीक है, एकदम ब्लैंक है। अब मैं कर रहा हूँ ओके, ओके पे क्लिक किया, अब देखते इसके अंदर क्या आया, अभी कुछ नहीं आया होगा वैसे तो, ब्लैंक है क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ जोड़ा ही नहीं। ठीक है, ये तैयार है भाई हमारा पेज, इसमें देखिए ब्लैंक है अभी हमारे पास। ठीक है, अब हम इसमें पेजेस को जोड़ते हैं। सपोज हमें एक पेज जोड़ना, तो हम कैसे पेज जोड़ेंगे, कैसे कंट्रोल यूज करेंगे, वो हम आज सीख लेते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं इस पर, राइट क्लिक कहाँ करना है, इसके इस पे करना, फोल्डर के ऊपर, ऊपर नहीं करना, ऊपर पूरा सोल्यूशन है इसका, उसमें ऐड करने कोई मतलब नहीं है। इस पे क्लिक करना है, ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करना है। जैसे ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करते हैं हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें बोलते हैं न्यू आइटम डायलॉग बॉक्स। इसमें से वेब फॉर्म हमें काम करना, वेब फॉर्म पे और मास्टर्स पे काम करना, दो चीजों के हम आपको यूज बताएंगे। सबसे पहले हम वेब फॉर्म पे क्लिक कर रहे हैं, वेब फॉर्म पे क्लिक करने के बाद हम करते हैं ऐड, ऐड किया, ये देखिए ऐड हो गया हमारे पास। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे दो फाइल अलग अलग मिली हैं आपको, ये इस पे क्लिक किया मैंने, ये है ASP.NET, ये डिजाइन फाइल है, और जो इसमें लिखा ना default.aspx.cs, ये हो गई आपकी सी शार्प फाइल। ठीक है, और default.aspx क्या है, ASP.NET का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इसमें ये सी एस फाइल है और ये आपकी डिजाइन फाइल है। ठीक है, दो फाइल है ये हमारे पास, डिजाइन देखिए ऑटोमेटिक बन के आया, क्या वही डॉक टाइप HTML5 पे ही काम हो रहा है, शुरुआत HTML से हो रही है, टाइटल टैग इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, ये सब लगा है इसमें ऑलरेडी, सब फिट है। ठीक है, इसमें एक टैग होता है फॉर्म टैग। ठीक है, फॉर्म टैग रन एट इक्वल टू सर्वर। टैग जो है दो प्रकार के होते हैं, होता है क्लाइंट साइड टैग होते हैं, सर्वर साइड टैग होते हैं। सर्वर साइड टैग में हमेशा लिखा रहता है रन एट इक्वल टू सर्वर। ठीक है, तो ये कहाँ पे रन होंगे, हमारे सर्वर पे रन होंगे। तो जो ASP.NET के जो कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इसका डिजाइन थोड़ा सा दिखाता हूँ। ठीक है, डिजाइनिंग अगर आपको करनी है तो दो तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं, यहाँ पे HTML जैसे कोड भी कर सकते हैं, और सीधा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नीचे सोर्स डिजाइन, डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो डिजाइन वाला फॉर्म आ जाएगा। ये देखिए डिजाइन आ गया हमारे पास, ये डिजाइनिंग एनवायरनमेंट है। ठीक है, इस एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं, हमारे पास टूल्स हैं, काफी सारे टूल्स हैं इसमें, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहां से देखें बटन, कैलेंडर, चेकबॉक्स, चेकबॉक्स लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, फाइल अपलोड कंट्रोल, जो हम फोटो अपलोड करते हैं ना MP ऑनलाइन में, उसमें यही वाला कंट्रोल लगा है, फाइल अपलोड कंट्रोल, हाइपर लिंक्स भी इसमें है, इमेज है, इमेज का उपयोग कर सकते, इमेज बटन भी है, मतलब एक बटन होगी कोडिंग के लिए, साथ में उसमें इमेज भी दिखा सकते ऊपर से, इमेज मैप है, लेवल कंट्रोल है हमारे पास, लिंक बटन है, लिस्ट बॉक्स है, लिटरल्स है, मल्टी व्यू बहुत सारे दिए हमारे पास, टेक्स्ट बॉक्स है, व्यू है, इसमें एक टेबल भी है। ठीक है, ये टेबल अगर हम ड्रैग करते हैं तो देखना हैश हैश करके आता है डेटा, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स आ गया गलती से, ये टेबल, ये ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है इसका। ठीक है, हम डायरेक्ट ड्रैग करके ला सकते हैं, देखो कैसे आए हैश लिखा, ये इस टेबल का यूज अभी नहीं करना हमें। ठीक है,
हम चलते हैं एचटीएमएल टेबल पर डायरेक्टली। देखिए एचटीएमएल के पूरे कंट्रोल्स इसमें, जो एचटीएमएल हमने काम किया ना वो उसमें इमेज भी है, आके आगे टेबल भी है, आगे आपको टेक्स्ट बॉक्स इनपुट बॉक्स से सारी चीजें होती हैं सिलेबस में, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि हमें डेवलपमेंट तरफ ही मेन देखना था इसलिए हमने उसको स्किप किया है। ये टेबल जो है इस टेबल को हम ड्रैग करके यहाँ लेके आते हैं। ध्यान देना क्या करना है, सबसे पहले हमें डिजाइनिंग के लिए क्या करना है, इस टेबल का यूज करना है। ये टेबल हम ड्रैग करके लेकर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे टेबल, अब इस टेबल को, टेबल जो है हमारी, इस टेबल पे यहाँ कर्सर रखना है, जहां पे ये कर्सर है ना, ये कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद माउस से क्लिक करके पूरा लास्ट तक सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट किया हमने, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में आना है। प्रॉपर्टी में आने के बाद जो वी अलाइन प्रॉपर्टी है इसे हमें करना है टॉप ऑलवेज। ये टॉप ऑलवेज क्यों कर रहे हैं, कारण बताता हूँ। फेसबुक वगैरह में देखा होगा, हम जब स्क्रॉल करते हैं नीचे कंटेंट, तो ऊपर कंटेंट ऊपर ही रहता है, हमारे साथ नीचे नहीं आता, वो कंटेंट ऊपर ही फिक्स रहता है। तो टॉप करने से क्या होगा, हर कंटेंट ऊपर रहेगा, चाहे जितना पेज बढ़े यहाँ कंटेंट, यहाँ का कंटेंट ऊपर ही रहेगा, इसलिए मैं टॉप किया, ठीक है। अब सपोज मैं ऊपर का जो हेडर है इसमें कुछ डिजाइनिंग कर सकता हूँ, यहाँ डिजाइनिंग कर सकता हूँ, यहाँ डिजाइन, और लिखने के लिए बहुत आइडल है ये, डायरेक्ट आप इस पर लिख सकते हैं, तो पैराग्राफ ऑटोमेटिक लग गया इसमें ना। लिखने के लिए एचटीएमएल का पेज सबसे आइडल होता है। देखो मैं एक छोटा सा फॉर्म बना रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। ये राइट क्लिक करके हम इसको मर्ज कर सकते हैं, एक मिक्स कर सकते हैं, मर्ज हो गया हमारा। देखो हम ये जो काम कर रहे हैं ना, इसकी कोडिंग देखो बैकग्राउंड में हो रही है ऑटोमेटिक, ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक कोडिंग होती जाती है जो भी हम काम करते हैं इसमें। हमने ये लिखा, अब मैंने इसमें लिखा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ये हमने लिखा, सॉरी रजिस्ट्रेशन बस लिखा, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट किया, हमारे पास यहाँ उपलब्ध है सारी चीज, ये हेडिंग टैग है, हमने S3 कर दिया इसको, ये देखिए S3 हो गया, और बढ़ाना चाहते हैं S2 कर दिया, हमने H1 कर दिया लो, और यहाँ से कलर भी कर सकते हैं, कलर भी हम इसमें कर देते हैं, ये रेड कलर कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया। अब आप देखेंगे ये सोर्स में काफी सारी डिजाइनिंग आपसे हो गई ऑटोमेटिक, ये देखिए ये स्टाइल बन गया, ये इनलाइन स्टाइल बन गया, इनलाइन स्टाइल शीट बन गई है, लिखा ना स्टाइल वन, इसमें कलर लिखा है, ये ऑटोमेटिक इसमें काम सारे होते जाते हैं, ठीक है। अब हम इसमें ये जो ऑप्शन है, मतलब जो टी डी जो दिखने, टी डी मतलब कि टेबल, इसमें एक टैग है, टेबल टैग है, टेबल टैग। तो टेबल टैग में दो चीजें होती है, एक होता है टी आर, सबसे पहले टी आर का मतलब है टेबल की रो, और टी डी का मतलब है टेबल की डेफिनेशन। ये हो गया टेबल का रो, ये हो गया टेबल की डेफिनेशन। इसमें एक ही डेफिनेशन है क्योंकि अपन ने मर्ज कर दिया था, याद होगा आपको, ठीक है। इसमें एक दो तीन है इसलिए इसमें तीन टी डी मिलेंगे आपको, एक टी डी, दो टी डी, तीन टी डी, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था कोड M%NBSP सेमीकोलन, ये स्पेस के लिए कोड है, ठीक है। ये हो गया, अगर आपको ये टी डी और बढ़ानी है तो आप यहाँ से कर्सर रख के टैब बटन दबा सकते हैं कंप्यूटर से, कीबोर्ड से, ठीक है। देखो ये बढ़ गई, अब मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एंटर नेम, ये मैंने एंटर नेम लिखा, ये देखिए लिख दिया नॉर्मली, स्पेस छोड़ के मैं लिख रहा हूँ एंटर डेट ऑफ बर्थ, ये मैंने लिख दिया। फिर मैंने लिखा यहाँ पे एफ फादर्स नेम, मैंने फिर बढ़ा लिया, अगर कम होते हैं तो ये ठीक है, आप बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। मदर्स नेम, ठीक है, ये हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया हमारे पास, ये हो गया। हम इसमें और लिखते हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर पुट अप किया हमने यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लिखते हैं कंटेंट यहाँ पे, कॉन्टैक्ट नंबर के बाद हमने लिखा एड्रेस, लिखा सॉरी जेंडर लिख देते पहले, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल्स काफी सारे उपयोग हुए अलग अलग, है ना। ये जेंडर लिखा, हमने लिखा एड्रेस, ABBRESS एड्रेस हमने लिखा यहाँ पे, देखिए पुटअप किया। अब हम क्या करते हैं इसमें कंट्रोल पुटअप करते हैं। देखो इसमें बहुत सारी सुविधाएं, यहाँ के कंट्रोल हमें कुछ भी नहीं लेने हैं, सिर्फ लेना है क्या टेबल, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। हम चलते हैं ASP.NET में, सबसे पहले हम लेंगे टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ हमने टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पुटअप किया, ये देखिए नीचे ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स नेम। टेक्स्ट बॉक्स का साइज यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, ये साइज हमारा इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगर आपको लगता तो आप यहाँ से ड्रैग करके ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, इसे हमने ये ड्रैग किया, ठीक है। और साइज अपन कम कर सकते हैं, ये देखिए साइज हमने बढ़ा दिया, ये हो गया हमारा, ये रजिस्ट्रेशन पेज, ये सॉरी ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया नेम के लिए। इसकी आप हाइट को भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे हाइट ऑप्शन भी रहता है, देखिए इसकी प्रॉपर्टीज हैं सारी है। ऐसे एक कंट्रोल आया ना ये टेक्स्ट बॉक्स, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बैक कलर, बॉर्डर, फोर कलर,
ठीक है, ऑटो पोस्ट बैक, सिंगल लाइन, इसके मोड हैं, टेक्स्ट बॉक्स के इतने सारे मोड होते हैं, जैसे मल्टी लाइन, अभी हम मल्टी लाइन करेंगे एड्रेस के लिए, इसमें बहुत सारी लाइन आएगी, ठीक है। पासवर्ड जैसे बना सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिक पासवर्ड की तरह काम करेगा, जो भी डेटा लिखोगे एस्ट्रिक में आएगा, अगर डेट लिख दोगे तो डेट एंड टाइम, अभी डेट ऑफ बर्थ अपन लगाएंगे इसको, ठीक है, डेट डेट की तरह काम करेगा। अगर ईमेल लिख दिया तो ईमेल की तरह, अगर गलत ईमेल डालोगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, सर्च करोगे सर्च बॉक्स की तरह काम करेगा। यूआरएल, यूआरआई जो लिखा ना यूआरएल, इस टेक्स्ट बॉक्स में केवल यूआरएल टाइप होगा, नॉर्मल डेटा टाइप करोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये फीचर इसमें दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। हमने इस टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, जैसे हम पेस्ट करेंगे ऑटोमेटिक क्या होता है, ये टेक्स्ट बॉक्स वन है, ये टेक्स्ट बॉक्स टू ऑटोमेटिक हो जाता है ऊपर वाली प्रॉपर्टी के साथ, ये फायदा है इसका। अब देखिए, पहले कॉपी कर दे रहे हैं, ये फादर्स नेम के लिए, ये मदर्स नेम के लिए, ये कॉन्टैक्ट नंबर के लिए, ये जेंडर में हम ये नहीं लगाएंगे, ठीक है, और इसमें हम पेस्ट करेंगे, ये जेंडर में जो हम डालेंगे, जेंडर हम डालते हैं, यहाँ से एक होता हमारे पास लेवल, ये होता है रेडियो लिस्ट कंट्रोल, एक होगा, देखो ये है ना रेडियो का, ये रेडियो बटन, एक है रेडियो लिस्ट, तो हम सीधा रेडियो लिस्ट को यहाँ पे ये हमने ड्रैग किया, देखिए बाउंड आया रेडियो लिस्ट, इस पर हम आइटम पे क्लिक करते हैं, एडिट आइटम पर, जैसे बॉक्स खुलेगा हमारे, ये देखिए ये वाला क्लिक किया, ये छोटा सा एरो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मास्टर टैग, ठीक है, ये जो एरो दिख रहा है मास्टर टैग, इस पर क्लिक करना है, एडिट आइटम पे क्लिक करना है, ऐड करिए, ऐड करेंगे यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट, जैसे कि हमने लिखा मेल, सॉरी फीमेल पहले लिखें, ऐड किया हमने लिखा मेल, सॉरी नॉट टू से, ठीक है, हमने करके ओके कर दिया, ये डन के, देखो तीनों ऑप्शन आ गए, लेकिन अभी क्या है, इसकी एक और एट्रीब्यूट, इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये यहां देखेंगे, अभी ये वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल करना, वर्टिकल मतलब ये हॉरिजॉन्टल ऐसा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट है डायरेक्शन, रिपीट डायरेक्शन, इसको हम कर देंगे हॉरिजॉन्टल, तो कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है, वो चेकबॉक्स जैसे, वो रेडियो बटन जैसे बन के आते, वैसे बन गई रेडियो बटन, ठीक है, ये हो गया आपका एड्रेस। अब इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को हम सिलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में आते हैं, यहाँ पे जो लिखा ना टेक्स्ट मोड, यहाँ से हम करेंगे डेट, कई बार ये एरर भी देता है, देखते भी क्या होता है ना, और एड्रेस जो है, एड्रेस वाले को लेके हम इसका मोड करेंगे मल्टी लाइन, मल्टी लाइन तो हो गया लेकिन उतनी लाइनें नहीं है, इसमें लिखा ना रोज, इसको हम पांच कर दें, ये बढ़ गई रोज, बढ़ गई रोज ये, और यहाँ एक हम छोटा सा बटन दे देंगे, ये बटन हमने लिया और हमने यहाँ पे लिखा, इस बटन के टेक्स्ट को मिटा के लिखा सेव, कर दिया, तो ये डिजाइनिंग समझ में इजी, इजी डिजाइन है, इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि विजुअल स्टूडियो है, ठीक है, और स्टूडियो मैनेजमेंट, इसको आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी मशीन पे, हो सकता है अभी आपके पास, आप सभी लोग लॉकडाउन चल रहा तो घर पे हो, मशीन ना हो किसी के पास, है ना, या सॉफ्टवेयर ना हो, तो इनका अरेंजमेंट अपन आगे कर सकते हैं फ्यूचर में, है ना, और इसका इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब आपको मिल जाएगा, वीडियो भी और जो टेक्स्ट और कोड जो हमने दिए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे इजीली, है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा, अब इसको रन कैसे करना है, इसको सेव करना, पहले यहां से सेव हमने किया, ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ डिबग एक बटन है, डिबग से आप कर सकते हैं, मैं आपको सबसे बेहतर ऑप्शन बता रहा हूँ, हमेशा यही काम करना है, जो ASP.NET का जो ये पेज बना डिफॉल्ट, इस पर करना है राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करना व्यू इन ब्राउजर, ठीक है, ये मैंने क्लिक किया व्यू इन ब्राउजर, अब ये पेज जो हमारा है, जो गूगल क्रोम हमारा, उसमें जाके ये रन होने वाला है। सॉरी एज में हुआ वन क्लो, ये एज बना ना माइक्रोसॉफ्ट का, इस पर बना है, इस पर हम राइट क्लिक करके इसका ब्राउजर भी डिफॉल्ट कर ले यहाँ पे ना,
ठीक है ना, सेट एज अ स्टार्ट पेज ब्राउज विथ, ये ब्राउज विथ पे क्लिक करते हैं, इसमें हम करते हैं गूगल क्रोम और इसको हम करते हैं सेट एज अ डिफॉल्ट, ठीक है, और करते हैं क्लिक ब्राउज पे। अब हमारा किस पे खुलेगा, जो ASP.NET जो सॉरी जो हमारा ब्राउजर था गूगल क्रोम का, उस पर ओपन होगा, ये ओपन हो रहा है, ठीक है, दिखता है एरर ना दे, डेट में कई बार एरर देता है ये, लेकिन ये डेट जब सर्वर पर चली जाती है, सर्वर होता ना इसका जिस पर अपन लाइव करते हैं साइट को, वहां जाने के बाद एरर नहीं देता ये डेट पे, अभी शायद डेट एरर भी दे सकता है, ये रन हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिबग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बटन बन जाती है, फिर इस पर काम नहीं कर पाते, स्टॉप करना पड़ता है उसको, ठीक है। जैसे ये रन हो रहा है अभी, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से ये रन किया मैंने, यहाँ पे ये क्लिक किया, ये डिबग पे क्लिक किया, डिबग पे देखो नीचे बिल्ड स्टार्टेड लिखा है, ठीक है, सब लिख कर आएगा, अब देखिए पूरे ने डायरेक्टरी पूरी दिखा दी, सब डेटा दिखा दिया, लेकिन अब यहाँ पे एडिटिंग मोड बंद हो जाते सारे, फिर इसको स्टॉप करना पड़ता है यहाँ से, लेकिन जो हम कर देखो यहाँ पे आई ना ये एरर, कहाँ पे आ रही, टेक्स्ट मोड डेट पे एरर दे रहे, हमेशा इसमें एरर देते ही वो, क्लोज करते हैं इसको, इस डेट मोड को हटाते हैं फिलहाल अभी यहाँ से, जब सर्वर पर डालना हो तब आप डेट लगा के उसको दे सकते हैं, तो सर्वर पर काम करेगा, लाइन दीजिए भी सेव किया वापस, इसको हम यहाँ के रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है, सेव करने पर रिफ्रेश कर रहे हैं, ठीक है, ये रिफ्रेश किया हमने, ठीक है, और इस पर चालू हो जाएगा थोड़ी देर में, ये देखिए चालू हो गया, ये हमारा एक रजिस्ट्रेशन पेज बन गया, यहाँ नाम डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आप जेंडर चूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ एड्रेस पुटअप कर सकते हैं, यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिजाइनिंग का कंसेप्ट, जो डिजाइनिंग हमने बताई है आपको, ठीक है, अब ठीक है, ये जो रन किया था तो स्टॉप हमने कर दिया था, इसलिए ऐसा नहीं आया, ठीक है, चलेगा। तो ये चीज क्लियर हुई, ये रजिस्ट्रेशन पेज हमने कैसे बनाया, ये सरल तरीका ड्रैग एंड ड्रॉप का एक पैटर्न है, इस ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करके हम डायरेक्ट इसमें से कंट्रोल ला के रखें, और कलर भी कर सकते इसमें, बैकग्राउंड कलर, फोर कलर। किसी को पूछना कुछ का, माइक ओपन हुआ किसी का, हेलो, चलिए ठीक, और इसमें हम डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, हमने ये, हाँ बताइए सर, ये वाला फ्रेमवर्क यूज करके सिर्फ सिंपल वेबसाइट बन सकती है? नहीं, आपने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट देखी? यस, वो भी इसी बनी है, ठीक है, और इसकी एमपी ऑनलाइन की साइट देखी होगी? यस सर, वो भी इसी बनी है, आप उसमें जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं, उसमें देखिएगा आपको ASP.NET। इसके अलावा मैं आपको एक और बता रहा हूँ, देखिए सर, डेटाबेस के लिए, हाँ हेलो, हाँ आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही, हाँ बताइए सर, डेटाबेस के लिए, डेटाबेस के लिए हम काम करेंगे ना, मेरे को तो बताते हैं आपको डेटाबेस के लिए ना, पहले कि ये क्लियर कर दो इनको, ये साइट पे हम विजिट करते लगातार, रिजल्ट भी इसमें देखते हैं, फॉर्म भी भरते हैं, ठीक है, सब इसमें होता हमारा काम है ना, डेटाबेस के लिए स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, बंद कर दिया था अभी, मैनेजमेंट स्टूडियो आ गया, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, रिस्पॉन्डिंग हो गए, स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना मेरी? यस सर, ठीक, दूसरा ओपन कर लेंगे, इसको छेड़ा बंद हो जाएगा स्क्रीन। तो
स्टूडियो जो अपना जो सर्वर है ना वो थोड़ा बड़ा रहता है पता है, वो ओपन होने में और इंस्टॉल होने में इन सब चीज़ों में टाइम लेता काफ़ी। कोशिश करूंगा मैं इन सॉफ्टवेयर्स को ड्राइव में डाल के ना उसका लिंक आपको शेयर करूँ, ठीक है, ताकि आप आसानी से उसको एक्सेस कर पाएँ। बाकी इंस्टॉल करने के उसमें इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं और यूट्यूब में छोटे छोटे वीडियोस बने हैं कुछ तीन तीन चार चार मिनट के, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर भी कर देंगे कि क्या करना है उसमें। हेलो, हेलो बेटा, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, मैं अभी सर से इंटरेक्ट करके और आपको फिर बता रही हूँ, एक मिनट। हाँ मैम बोलिए। राधे मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर सर बस एक मिनट में ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, हेलो। यस मैम। हाँ जी बेटा। यस मैम। हाँ बेटा, मेरी जस्ट अभी बात हुई है, तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट हो रहा है। आप लोगों को समझ आया जो आज सर ने करवाया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, तो फिर अपन, ठीक है बेटा, ओके, कल अपन नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करते हैं सेम टाइम पर, ठीक है? यस मैम। ओके बेटा, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके ओके।